चंदन टिक्का लगा दीजिएगा। जय हो। आइए पावन इस नई शारण्य तीर्थ में सत्यनारायण में आप लोग हमेशा सुनते हैं एकदा नई शारण्य, एक समय नई शारण्य में सत्यनारायण कथा हुई थी अर्थात भगवान की कथा हुई थी। उसी सूत जी ने सबको कथा श्रवण कराया था, वो भी 88,000 ऋषियों को। तो आज आप सभी कथा श्रोता के रूप में विद्यमान है और ये पावन सत्संग ये भी कार्तिक शुक्ल पक्ष में इसमें अधिक से अधिक व्रत हुआ करते हैं। कल गोपाष्टमी भी है, छठ का पर्व आज पूर्ण हुआ गोपाष्टमी, इसी में तुलसी विवाह इत्यादि का भी प्रसंग आता है। भगवान 4 महीने के बाद चतुर्मास में जो भगवान पूर्ण होने के बाद जगने का भी समय इसी महीने में है अर्थात ये पावन महीना है। तो इसी पावन महीने को ध्यान में रखते हुए दीपावली के बाद आयोजित इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत इस पावन भूमि नैमिषारण्य क्षेत्र में। आइए हम सत्यनारायण कथा का संकल्प तो मुंबई से ही था और सभी ने इच्छा जाहिर की थी। हम लोग हमेशा सत्यनारायण कथा में सुनते हैं कि नैमिषारण्य नैमिषारण्य, आज वो नैमिषारण्य भूमि में हम लोग कथा सुनने सुनाने के लिए उपस्थित हो चुके हैं तो बड़ा सौभाग्य है। इसलिए सुनने वाले का भी सौभाग्य और सुनाने वाले का भी सौभाग्य है और जो सहयोग करने वाले हैं प्रत्यक्ष परोक्ष उन सबका सहयोग है और जो अग्रगण्य है उनका भी भरपूर सहयोग है, बाकी सभी श्रोताओं का इसमें पूर्ण सहयोग है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आइए भगवान सत्यनारायण का हम लोग ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करेंगे। आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभवतिष्ठदं मोक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णोमी संवदे सत्यनारायणं विष्णोमी संवदे सर्वदा लोक कल्याण पारायणं देवगो विप्रक्षात सत विग्रहं दीनहीनात्मभक्ताश्रयं सुंदरं सत्यनारायणं विष्णोमी संभजे सत्यनारायणं विष्णोमी संभजे। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते ध्यानं समर्पयामि। ततः आइए भगवान सत्यनारायण का नमन करते हुए आप सभी भगवत स्वरूप, श्रोता भी भगवत स्वरूप ही होते, जनताओं को जनार्दन कहा गया है इसलिए भगवत स्वरूप श्रोताओं का भी मेरा हार्दिक नमन। और सूत जी भूमि के अधिपति अर्थात जिन्होंने पवित्र भूमि में कथा श्रवण कराया ऐसे सूत जी को भी हमारा नमन। आपका वो मोबाइल है ओम नमन, साथ में व्यास जी को भी नमन, व्यास जी को भी नमन, सुखदेव जी को भी नमन और इस भूमि पवित्र भूमि को भी नमन और भूमि के अधिष्ठात्र जो भगवान नारायण है उनका भी नमन। और ब्रह्मा जी ने जिस भूमि का चयन किया था सत्संग के लिए, जहां पर हमारा मन रूपी चक्र शांत हो जाता है वही तो चक्र तीर्थ है। हमारा भी मन है ना चक्र की तरह घूमता है, वही चक्र तीर्थ है। तो ऐसे इस भूमि का चयन करने वाले ब्रह्मा जी को भी नमन। तो इसी के अंतर्गत सबसे पहले यहां पर कथा आती है। व्यासवाच एकदा नैमिषारण्य ऋषय शौनकादय प्रपच्चर मुनय सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। व्यास जी महर्षि वेद व्यास जी जो पाराशर जी के सुपुत्र हैं और इनके द्वारा पाराशर जी के सुपुत्र शक्ति, शक्ति के सुपुत्र व्यास जी और पाराशर जी के सुपुत्र व्यास जी के द्वारा ये लिखी गई कथा के अंतर्गत
ये प्रसंग आता है नैमिष अरण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि जो शौनक आदि थे, शौनक आदि ऋषियों के द्वारा एक प्रश्न किया गया। वो प्रश्न क्या है? ऋषियों ने कहा, व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते ग्रांसितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। व्रतेन तपसा किं वा, अब यहाँ पर सत्यनारायण कथा में सबसे पहले व्रतेन अर्थात इतना सबको पता है कि मनोवांछित फल व्रत से मिलेगा कि तप से मिलेगा, और यहाँ तपेन नहीं दिया गया, सबसे पहले व्रतेन दिया गया है। इसका मतलब व्रत को प्रमुखता से उस समय भी लिया जाता था। आज भी कोई भी धार्मिक कार्य होता है पहले व्रत पूर्वक धार्मिक कार्य किया जाता है, इसीलिए व्रत की प्राथमिकता उस समय भी थी और आज भी है। पूजा पाठ करने के लिए वैसे तो 7 दिन भागवत में लिखा है, 7 दिन तो कुछ नहीं खाना चाहिए, निराहार रहना चाहिए धुंधुकारी की तरह, लेकिन कलयुग है, अब यहाँ इतनी क्षमता हमारे अंदर नहीं है, तो सतयुग में तो सिर्फ हड्डी भी रह जाती थी तो भी उनका प्राण टिका रहता था, लेकिन कलयुग में अगर 24 घंटा नहीं खाएंगे तो लोग बीमार हो जाएंगे, तो क्या करें? आ इतना भोजन करिए जितने हम शांति से बैठकर कथा सुन सके, अगर इतना भी खाते हैं तो भी आपको व्रत ही माना जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि व्रतेन तपसा किं वा, क्या व्रत से फल मिलेगा मनोवांछित कि तप से मिलेगा, इसलिए व्रत जरूरी है। जरूरी व्रत इसीलिए है कि भगवान ने भी एकादशी के दिन भीमसेन को कुछ भी नहीं दिया था, निराहार रहना पड़ा भीम को भगवान के कहने पर। तो भगवान भी जानते हैं कि तुम व्रत नहीं करोगे तुम्हारा धर्म पूर्ण नहीं होगा, सनातन धर्म को पूर्णता के लिए भी हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ व्रत करना होता है। लोग अपने अपने इष्ट के हिसाब से अपना अपना व्रत का पालन करते हैं, कुछ लोग नवरात्रि शिवरात्रि रामनवमी जन्माष्टमी या अन्य पर्वों में कुछ लोग चतुर्मासा भी करने वाले हैं, 4 महीना तक व्रत भी रहता है लोगों का। तो जो भी हो व्रत कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा यह विधान बताया गया, जब भीम जैसे हमेशा खाने वाले, भीम को बिना भोजन के नहीं चलता था, वो 2-3 घंटा भी बिना भोजन के नहीं रह सकते थे, ऐसे व्यक्ति से भी भगवान ने व्रत करवाया, इसलिए व्रत करना जरूरी है, कोई भी व्रत पालन करें। इसलिए पहले यहाँ दिया गया है व्रतेन तपसा किं वा, व्रत पूर्वक तप करना चाहिए। आप जो बैठे हैं पूजा पाठ में ये भी तप है, और व्रतेन तपसा किं वा प्राप्स्यते वांछितं फलम, व्रत से मिलेगा कि तप से मिलेगा, जो वांछित फल मनोवांछित फल सभी चाहते हैं कि हमें फल चाहिए, उस फल के लिए हमें क्या करना चाहिए, और व्रत यही प्रश्न हम जानना चाहते हैं, यही हमारा प्रश्न है, हम सुनना चाहते हैं कि महामुनि आप मुनियों के भी मुनि हैं, महामुनि आप हैं, इसलिए आप बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, नारदेनैव संपिष्टो भगवान कमलापति सुरसय यथैव तच्छिनस्तम समाहित। एक समय देवर्षि नारद भगवान नारायण के पास जाकर उन्होंने भगवान से यही प्रश्न किया था। देवर्षि नारद जी का नित्य निरंतर एक कार्य होता था, एक ही नाम जपा करते थे, नारायण से नारायण भजम न प्यारे नारायण, नारायण से नारायण भजम न प्यारे नारायण, बांके बिहारी नारायण कुंज बिहारी नारायण, बांके बिहारी कुंज बिहारी नारायण, गिरिवर धारी नारायण भज मन प्यारे नारायण, गिरिवर धारी नारायण भज मन प्यारे नारायण, नारायण से नारायण भज मन प्यारे नारायण, नारायण से नारायण भज मन प्यारे नारायण। यही नाम भगवान का नित्य निरंतर लिया करते थे, और जो भगवान का नाम लेता है उनको कहीं भी रोक टोक नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो यमलोक भी पहुंच जाते थे यमराज जी से मिलने, और राक्षसों के भी पहुंच जाते थे, हिरण्यकश्यप इत्यादि प्रमाण है उनके पास भी पहुंच गए थे मिलने, न वैकुंठ में उनके लिए रोक टोक है, न स्वर्ग में रोक टोक है, न मृत्युलोक में रोक टोक है, न तो यमलोक में कहीं भी देवर्षि नारद पहुंच जाते हैं, अर्थात नारायण का नाम धारण करने वाला भी हर जगह उसकी पहुंच बन जाती है। अगर हर जगह पहुंच बनाना हो
तो भगवान का कोई भी प्रिय नाम धारण करें, जैसे भक्त प्रहलाद देवर्षि नारद ने नारायण नाम को धारण किया था, और मीराबाई ने कलयुग में गिरधर गोपाल का नाम धारण किया था, तुलसीदास ने राम जी का नाम धारण किया था, ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय का नाम धारण किया था, जो आपको पसंद हो, सनकादिकों ने हरि ही शरणम ये नाम धारण किया था, सभी का उन नामों के द्वारा कल्याण होता है। इसका मतलब जो नाम आपको पसंद हो, चाहे कृष्ण का, राम का, या हरि का, या किसी का भी भगवान इष्ट के रूप में आप मानते हैं, उनके नाम से आपका कल्याण निश्चित है। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधन लोकान मर्त्यलोके मर्त्यलोकम् उपागत देवर्षि नारद। एक समय परानुग्रह कांक्षा दूसरे की कल्याण की भावना लेकर पर्यटन विविधन लोकान विविध लोकों का उन्होंने भ्रमण किया, और भ्रमण करते हुए मृत्युलोके लोकम् उपागत धरती में आए। इसको कहते हैं मृत्युलोक, क्योंकि हमारा जन्म तो हो चुका है, एक ही काम बाकी है, कौन सा काम, मरना। जन्म और मरण ये तो ही तो काम है, उस बीच का तो टाइम पास है, और टाइम पास कोई अपने अपने तरीके से करता है, कोई कोई रो के करता है, कोई हंस के करता है, कोई टेंशन में लेके करता है, तो बीच का जो समय है मात्र टाइम पास है और कुछ नहीं है। अब ये जो है उस समय का जो टाइम पास, और एक होता है समय का सदुपयोग। अंग्रेजी पढ़ने वाले तो टाइम पास ही मानते हैं, लेकिन हमारे भारतीय परंपरा में सदुपयोग होता है, समय का सदुपयोग। अब कुछ अच्छे विद्वान उसको कालक्षेप कहते हैं, समय का सदुपयोग होता है उसका भी। तो हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें समय का सदुपयोग करना है। जब तक आप नैमिषारण्य तीर्थ में विराजे हैं, तब तक आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं, टाइम पास नहीं हो रहा है। टाइम पास जो घूमने जाते हैं, कोई जर्मन स्विट्जरलैंड तो अन्य अन्य ऐसे देख सैर सपाटे के लिए जाते हैं, उनका हो सकता है कि टाइम पास, पिक्चर में बैठेंगे तीन घंटा वो भी टाइम पास है, सीरियल में बैठेंगे सास बहू का जो भी है वो भी टाइम पास है, और मोबाइल में फेसबुक में जो लगे होते हैं वो भी एक प्रकार का टाइम पास है। समय का सदुपयोग है, तो कहीं कहीं अगर आप कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हों, चाहे वो कथा सत्संग हो, पूजा पाठ हो, यज्ञ याग आदि हो, कीर्तन भजन हो, कोई भी अगर ऐसे समय का अगर सब सदुपयोग कर रहे हैं, तो आपका समय का सदुपयोग कर रहे हैं। उस समय का जो समय की कीमत है वो भगवान के बैंक में बैलेंस हो जाएगा, जमा हो जाएगा उनके अकाउंट में, आपके समय का वही गिनती होती है, उसी समय की गिनती भगवान रखते हैं। इसलिए देवर्षि नारद मृत्यु लोक में आए, हम लोग मृत्यु लोक में ही हैं, क्योंकि हम लोग मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, सभी म्रियमाण हैं, भागवत में कथा आई है ना, 7 दिन में मरना है, तो वही गति हमारी है, हम मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ खड़ी है। और मृत्युलोके मुकादा, मृत्युलोक में क्यों आए देवर्षि नारद, ये देखने आए कलयुग में कि सुख शांति कहाँ कहाँ है। सत्ययुग में तो घर घर में सुख शांति होती थी, अब त्रेता युग में और सुख शांति के लिए घर बाहर निकल जाते थे, और द्वापर युग में सुख शांति और कम होने लगी घर में, तीर्थों में, धाम में। कलयुग में तो सुख शांति तो न तो मंदिरों में है, न तो तीर्थों में है। अगर आप किसी भी तीर्थ में जाएं, क्या आप शांतिपूर्वक भगवान का दर्शन कर सकते हैं? 20 आदमी आपके अगल बगल घूमते रहेंगे, जैसे गुड़ में चींटियां लग जाती हैं, वो चारों तरफ से घेरे हुए लोग मिलेंगे, यहाँ ये करो, यहाँ पूजा करो, वहां इतना चढ़ा, वहां उतना चढ़ा, अर्थात आपको कहीं भी शांति से, न तो तीर्थों में शांति रह गई है, न तो घर में, तो आप जानते ही किस किस के घर में शांति होगी, आप बताइए। और तीर्थों में भी शांति नहीं है, घर में भी शांति नहीं है। लोग सोचते हैं कि पैसे वालों के पास शांति होगी, पैसे वालों से पूछने कितनी शांति मिली आज तक। अब यहाँ बलवानों के पास भी शांति नहीं है, विद्वानों के पास भी शांति नहीं है। इसका मतलब कलयुग में कहीं भी शांति नहीं है। तो शांति नहीं तो क्या है? ततो दिष्टं जनान सर्वा नाना क्लेश समन्विदान, एक नहीं नाना प्रकार के, एक कष्ट दूर हुआ दूसरा कष्ट सामने खड़ा हो गया, तो कष्ट का निवारण करते करते आपका जीवन व्यतीत हो गया।
सुख ढूंढते ही आ गई बालों में सफेदी, सुख ढूंढते ही आ गई बालों में सफेदी, जीवन गुजर चला मगर सुख को ननिहारा। जीवन में तो हम सुख ही ढूंढ रहे हैं, जब छोटे बच्चे थे तब खिलौनों में सुख ढूंढते थे, जब खिलौनों में सुख नहीं मिला खिलौने को फेंक दिया कोने में पड़ा रहा, उसके बाद खिलौना देखते तक नहीं, फिर खेलकूद में सुख ढूंढने लगे, फिर दोस्ती यारी में सुख ढूंढने लगे, फिर परिवार में पत्नी में सुख ढूंढने लगे, फिर बच्चे में परिवार में सुख ढूंढने लगे, फिर समाज में निकल गए हम तो सामाजिक सेवा करेंगे तो समाज में सुख ढूंढने लगे, लेकिन अंततोगत्ता जीवन गुजर चला मगर सुख को ननिहारा। जीवन चला गया लेकिन सुख नजर नहीं आया। आप लोगों को आया सुख नजर? तो सुख कहां है? नाना क्लेश नाना योनि समुत्पन्ना, जिस योनि में जहां पर हैं वो अपने आप में दुखी हैं, जानवर भी दुखी हैं, पता नहीं कब पकड़ कर चिड़ियाखाने में बंद करेगा हमें, कब पता नहीं कब बंद करे, पक्षी भी परेशान है वो पिंजरे में बंद न कर दे तो सभी परेशान हैं। केन उपायेन चेते संदुख नाशो भवेत्, तुम किस उपाय से दुखों का नाश होगा? इति संचित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तः, यही मन में विचार करके भगवान नारायण विष्णुलोक में, नारायण के धाम विष्णुलोक में देवर्षि नारद गए, वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा? तत्र नारायण देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्रगदा पद्मपद्मनाभा विभूषणं, वहां तत्र नारायण देवं भगवान नारायण देव भगवान थे, शुक्ल वर्ण चतुर्भुजम सत्ययुग के भगवान का स्वरूप होता है सफेद वर्ण के, और शुक्ल कृष्ण तथा इदानीं कृष्णदाम गता भागवत में दिया गया। सबसे पहले सत्ययुग में भगवान गौर वर्ण की हुआ करते थे, वामन सनकादि इत्यादि, संघ चक्र गदा पद्म भगवान चार हाथों में चार आयु धारण किए, क्यों? क्योंकि धर्म अर्थ काम चार प्रकार के पुरुषार्थ भगवान प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, इसलिए तिष्ठतम देव देव सोतम समझ उनके देख करके देवर्षि नारद ने उनकी स्तुति की। कैसी स्तुति की? नमो वांग मनसा तीता रूपायानंद सत्ये, प्रभु आप न तो मन से जाने जाते हैं, न तो बुद्धि से आप जाने जाते हैं, न तो किसी प्रकार अनुभव से भी आप नहीं जाने जाते हैं, और आप आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय महात्मने, आपका न तो प्रारंभ है न तो अंत है न तो मध्य है, और आप निर्गुण होते हुए गुणवान भी हैं, दोनों रूप है भगवान, निर्गुण निराकार भी हैं, सगुण साकार भी हैं भगवान, और रूपायानंद सत्य भगवान एक ही रूप में नहीं है, भगवान मछली भी बन जाते हैं, कछुआ भी बन जाते हैं, सूकर भी बन जाते हैं भगवान, हंस भी बन जाते हैं, पक्षी भी बन जाते हैं, भक्तों के कल्याण के लिए भगवान एक हयग्रीव घोड़े के रूप में भी भगवान है, हयग्रीव भगवान, और सूकर के रूप में वराह भगवान, और भगवान नाना रूप धारण करके भक्तों का कल्याण करते हैं, इसलिए रूपायानंद सत्य अनंत शक्ति, भगवान की शक्ति का हम आकलन नहीं कर सकते, भगवान के पास कितनी शक्ति होगी। आदि मध्यंत ही नाय भगवान का न तो प्रारंभ है न तो मध्य अंत कुछ भी नहीं, निर्गुणाय महात्मने भगवान सगुण साकार, यहाँ पर निर्गुण निराकार, नीर मतलब होता है जल, जल का कोई आकार देखा है आपने? जिस पात्र में रखे हुए पात्र दिखता है लेकिन जल है, तो जल का आकार नहीं होता है, भगवान इसी प्रकार है जल के आकार, लेकिन जल भी निर्गुण निराकार भी, जल सगुण साकार भी हो जाता है। जैसे जल को अगर आप फ्रीज में किसी पात्र में जमाने के लिए रख दें तो वो बर्फ बन जाता है, तो फिर सगुण साकार में आ जाएगा। सगुण साकार कब होता है? जब आप आपका मन अत्यंत शांत हो, अत्यंत शीतल हो, तो अत्यंत शीतल में निर्गुण भी सगुण बन जाता है, निराकार भी साकार हो जाता है, तब नीर का आकार भी साकार में। इसीलिए जल भले निराकार है लेकिन बर्फ का आकार है, बर्फ का लंबा चौड़ा मोटा पतला बर्फ का होता है, सफेद सफेद दिखता भी है, और बर्फ का फोटो भी ले सकते हैं, लेकिन शुद्ध जल का अगर आप निर्मल जल का फोटो भी लें तो आपको फोटो उतना नजर नहीं आएगा, लेकिन जो परछाई जल के अंदर की है वो जरूर नजर आती है कैमरा में भी। तो इसलिए भगवान आप निर्गुण निराकार हैं, लेकिन जो भक्त लोग शीतल मन से भगवान का भजन करते हैं उनके लिए सगुण साकार बन जाते हैं। जैसे मीराबाई, मीराबाई ने कलयुग में भगवान को
भगवान का दर्शन किया, तुलसीदास जी ने दर्शन किया। ये सर्वेशम आदिभूताय भक्तानां आरतिनाशिने, सभी जीव जगत के आदि कारण परमात्मा ही है। परमात्मा को छोड़कर कोई भी संसार में आदि प्रारंभ नहीं है। उनकी बात सुनकर के दया भगवान ने देवर्षि नारद से पूछा, श्री भगवान उवाच, किमर्थम आगतोषितम किम ते मनसि वर्तते, कथय स महाभाग तत्सर्वम कथयामि। देवर्षि नारद, आपका आगमन किस कारण से हुआ? देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु, मैं अपने लिए नहीं आया हूँ। अधिकतर संसारी लोग साधु संत भगवान के पास जाते हैं संसार मांगने के लिए। हमें धन चाहिए, हमें संतान चाहिए, हमें वाहन मकान चाहिए, यही मांगने जाते हैं। लेकिन संतों की मांग है संसार का कल्याण कैसे हो? देवर्षि नारद ने कहा कि मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समर्पणाम अपच्यन्ते पाप कर्म हरि। मर्त्यलोक में गया था, वहां सभी मनुष्य बड़े कष्ट से जीवन यापन कर रहे हैं, और नाना योनि समर्पणा, एक योनि नहीं, पशु पक्षी जीव जगत जितने भी हैं सभी अपने कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब क्यों कष्ट पा रहे हैं? पच्यते पाप कर्म भी, पाप कर्म से। हम सोचते हैं कि हम रोज काम करते हैं ना, हमने अच्छा काम किया है, लेकिन हम नहीं सोचते उसी काम के पीछे कहीं ना कहीं बुरा काम भी हो रहा है। सबके लिए हर काम अच्छा नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो काम में परिवर्तन होता है। जल आपके लिए कष्टदायक भी है और जल आपके लिए सुखदायक भी है। अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हो, अगर आपको जल मिले तो आपको सुख मिलेगा, लेकिन आप कहीं जल में डूब गए और वही जल आपके लिए कष्टदायक हो गया। समय का चक्कर है, किस स्थान में आप कहां पर हैं, तो वही चीज आपके लिए सुखदायक भी है, वही चीज दुखदायक है। इसलिए पाप कर्म भी, अपने पाप कर्मों से, गलत कर्मों से ही मनुष्य सुख दुख पाता है। ये मन का ही धर्म है, ये शरीर का धर्म नहीं, भगवान का दिया हुआ उपहार भी नहीं है। इस तरह से तत्कथम समय नाथ लघु पाठ तत्सो तुम्हें छंद्रे प्रभु। इसलिए भगवान से देवर्षि नारद जी निवेदन करते, प्रभु आप हमारे पर कृपा करके अरे कल्याण का साधन बताइए। भगवान ने कहा कि साधु पृष्ठम त्वया वस लोकानुग्रह कांक्षा यतिमुजरे मोह तस्मिन् सस्मम्बदामिते। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया, संसार के कल्याण की भावना से आपने प्रश्न किया है, उसके लिए एक ही चीज है, व्रतमत्स्य महत्पुण्यम स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभम। एक बड़ा उत्तम व्रत है, स्वर्ग में भी दुर्लभ है, मृत्यु लोक में भी दुर्लभ है। तब स्नेहमया वस प्रकाश क्रियते, आपके स्नेह प्रति मेरा बड़ा स्नेह है, आप मेरे परम भगत हो, इसलिए मैं ऐसे भक्तों को मैं ये उत्तम ज्ञान देना चाहता हूँ। ज्ञान कौन सा है? सत्यनारायण सेव प्रथम सम्यक विधान समाप्त तस्त भगवत नारदो मुनि ब्रवीत। सत्यनारायण सेव, मात्र सत्यनारायण ही एकमात्र उपाय है। जरा विचार करें, सत्य और नारायण, नारायण के आगे सत्य है, इसका मतलब है कि सत्य के पीछे ही नारायण चलते हैं। लोग असत्य के पीछे लक्ष्मी तो प्राप्त हो जाती है, लक्ष्मी तो अंधेरे में भी मिल जाती है, टेबल के नीचे से भी मिल जाती है लक्ष्मी जी, पीठ के पीछे से भी लक्ष्मी मिल जाती है। तो लेकिन भगवान की कृपा, सत्य के पीछे ही भगवान रहते हैं, इसलिए लक्ष्मी और नारायण में थोड़ा बहुत मतभेद है, क्योंकि लक्ष्मी कहीं भी चली जाती है, नारायण मात्र सत्य के पीछे चलते हैं। इसलिए सबसे पहले आता है सत्य, और ये सत्य क्या है? सौ में सत्य में कितने अक्षर हैं आप लोग बता सकते हैं? कितने अक्षर है सत्य में? ढाई अक्षर। वैसे संस्कृत में अगर देखा जाए इसमें तीन अक्षर है, सती य। स मतलब वह परमात्मा, ती मतलब यह संसार, यह जो कोई मतलब हम सभी है, तो तीन है। तो सत्य वहीं पर पूर्ण होता है। अगर संसार भी भगवान से जुड़ा हो तो संसार सत्य है, अगर भगवान से संसार न जुड़ा हो तो संसार भी असत्य है। अगर इसी पर से जीव हम भी अगर भगवान से जुड़े हो तो हम सत्य हैं, अगर हम भगवान से नहीं जुड़े तो हम भी असत्य हो गए। और स मतलब वह परमात्मा, तो यह और वह दो ही तो है, यह संसार और संसार में हम, वह परमात्मा। तो स का मतलब परमात्मा, इसका मतलब परमात्मा भी अकेले सत्य नहीं है, भगवान भी तीनों को लेकर के चलते हैं। जैसे तुलसीदास ने कहा, राम लखन सी सोहई कै
श्री सो हरि कैसी। राम लखन श्री, राम क्या है? ब्रह्म जीव बीच माया। इसमें देखिए तुलना कर दिया है तुलसीदास जी ने, ब्रह्म किसको? भगवान राम ब्रह्म है, जीव लक्ष्मण है, माया सीता है। भगवान भी जब कुछ कार्य करने जाते हैं तो उनको जीव की भी आवश्यकता है, माया की भी आवश्यकता है, और स्वयं भी चलते हैं तो भगवान इसलिए अकेले नहीं जाते वनवास में, तो भगवान जीव प्रकृति माया को लेके चलते हैं। इसलिए सत्य यही है, हम भी सत्य हैं परमात्मा के, लेकिन परमात्मा से जुड़ने के लिए हम कार्य करें। लक्ष्मण जी 14 साल भगवान के साथ ऐसे नहीं थे, उन्होंने पूरा 14 वर्ष तक व्रत किया, तब जाकर उन्होंने जो है सोना भी निद्रा भी त्याग दिया था, भोजन भी त्याग दिया था, तब भगवान ने उनको साथी बनाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं व्रत करने वाले के ऊपर भगवान की कृपा होती है, इसीलिए आप लोग भी कम से कम एकादशी इत्यादि का व्रत करने का प्रयास करें, ताकि हो सकता है कि भगवान की कुछ सान्निध्यता हमें प्राप्त हो, या अन्य व्रत भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान भी कहीं ना कहीं इनके प्रति विशेष कृपा रखते हैं। सत्य नारायण, नारायण में 4 अक्षर हैं, और नारायण जो अक्षर है, नाम है, ये किसी विद्वान पूरे पुरोहित पंडित ने नहीं रखा है, ये स्वतः सिद्ध नाम है। नार मतलब जल, अयन मतलब वासस्थान, जो जल में निवास करे वही नारायण है। तो इसका नारायण का नाम करने वाला कोई नहीं है, स्वतः सिद्ध नाम है। इसका मतलब नारायण सर्वोपरि नाम है, इसलिए कहीं भी अगर आप जाते हैं तो सत्यनारायण का हर जगह है, भारत के हर कोने, देश विदेशों में सत्यनारायण है। तो इसलिए सत्यनारायण का नाम सर्वोपरि है, इसलिए नारायण से नारायण भज मन प्यारे नारायण, नारायण से नारायण भज मन प्यारे नारायण। जय जय लक्ष्मी नारायण, जय जय सीताराम, नैमिषारण्य क्षेत्र में सत्यनारायण कथा सुने, जो सत्यनारायण का सर्वप्रथम स्थान है, अर्थात सबसे पहले अगर सत्यनारायण की कथा हुई है तो कहां? यही नैमिषारण्य में। तो कितना पवित्र स्थान में हम लोग विराजमान है सत्यनारायण कथा सुनने के लिए। तो ये सम्यक विधान से, यही सम्यक विधान है, और सम्यक विधान से जो श्रवण करता है उसके लिए भगवान संसार में सुख प्रदान करते हैं, और परत्र मोक्षमात्म अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद जी ने उनसे पूछा, किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम, इसका फल क्या है और विधान क्या है, और इस व्रत को कब किसने कहां किया है, मैं सब जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा, दुख शोकादि समनं धनधान्य प्रवर्धनं सौभाग्य संततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं। भगवान का सत्यनारायण का व्रत जो है दुख को दूर करता है, शोक को दूर करता है, और दुख शोकादि समनं धन भी देता है, धान्य भी देता है, और सौभाग्य, किसी को सौभाग्य की जरूरत है, सौभाग्य भी मिलता है। इसलिए सौभाग्य मिलने का मतलब आपका दुर्भाग्य दूर होता है। कुछ लोग कहते हैं हम अभागे हैं, आप भगवान सत्यनारायण कथा सुन लीजिएगा, आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी, अभागापन दूर हो जाएगा। अगर अभागापन भी दूर करना है तो भगवान के शरण में जाइए। सौभाग्य संतति करम, संतान की कामना है तो भी भगवान सत्यनारायण की कथा सुनिए, या भगवान नारायण के हरिवंश पुराण भी लोग कथा सुनते हैं, या भगवान बाल गोपाल का अनुष्ठान कर सकते हैं सत्यनारायण का संतान के लिए। सर्वत्र विजय प्रदम, हर जगह विजय प्राप्ति, कहीं पराजय नहीं होगा। अगर आप भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के लिए व्रत करते हैं, तो आपकी हर जगह विजय ही विजय है।
जो भगवान को मजबूती से पकड़ने वाले लोग हैं ऐसे नेता भी संसार में वो हर जगह उनकी विजय ही, हर जगह उनका गुणगान ही रहेगा। इसलिए किसी भी क्षेत्र में धर्म को पकड़ने से व्यक्ति हमेशा आगे ही रहता है। यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः, जिस किसी दिन भी मन में भक्ति जगे, श्रद्धा जगे, तो भगवान की कथा श्रवण कर लेना चाहिए। अब इससे अच्छे भक्तिमय स्थान कहाँ है श्रद्धा नैमिषारण्य में, ये तो आना ही श्रद्धा का एक विषय है। और यहाँ बैठ के कथा सुने, यहाँ पर श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता नहीं। अगर पहुंच भी गए ना, श्रद्धा भक्ति है तभी तो पहुंचे हैं। अब मन में श्रद्धा नहीं है तो नैमिषारण्य क्यों पहुंचेंगे। तो इसलिए श्रद्धा भक्ति, जहां पर श्रद्धा है वहीं पर भक्ति देवी विराजमान रहती है, और जहां श्रद्धा भक्ति है वहीं पर सत्यनारायण निवास करते हैं। सत्यनारायण देवम यजेव निशाम के, दोपहर के बाद निशा सायंकाल के समय भी यहाँ दर्शाया गया है। ब्राह्मणे बांधवैश्चैवा सहितो धर्म तत्पर, ब्रह्मै में तो घर में अकेले अकेले कथा सुनते रहे हमने, लेकिन यहाँ पूर्ण विधि से सुन रहे हैं। क्यों? ब्राह्मणे ब्राह्मण लोग भी बैठे हैं, और बांधवै बंधु बांधव भी बैठे हैं, और सहितो धर्म तत्पर, जिनके मन में धर्म की भावना जागृत है वो सारे यहाँ विराजमान है। यहाँ ऐसा नहीं कि जो काट छाट करने वाले हो, तो इसमें जो सत्यनारायण का जो पूर्ण विधान या प्रदर्शित हो रहा है, ब्राह्मणे बांधवै सैव, सभी बंधु बांधव यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ सब भाई भाई की तरह है, एक सूत्र में हम बधे हैं। धर्म में तत्परता सबके अंदर है, कि धर्म में तत्परता है तभी तो आप नैमिषारण्य में आए। नैवेद्यम भगवान को नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पण करना चाहिए। रम्माफलम घृतम क्षीरम गोधूमश्चूर्णकम अभावेशादि चूर्णम च शर्करादिग्रस्ता समादम भक्षयिष्यामि चैत्रदिने, भगवान को जो भी गोदुग्ध गेहूं के बनाया हुआ पंजीरी आटा इत्यादि मिष्ठान नवी भगवान को लगा सकते, कुछ न मिले आपको शर्करा इत्यादि अर्पण करें, पंजीरी बना सकते, हलवा बना सकते, केले का फल अर्पण कर सकते हैं। दक्षिणा नद्या कथा सुत्वा धनी सह, यहाँ भी भगवान ने, लोग कहते कहाँ लिखा है दक्षिणा, बार बार दक्षिणा का नाम लेते हो, ब्राह्मण के ऊपर जो है लोग टीका टिप्पणी करते हैं। अब यहाँ प्रत्यक्ष सत्यनारायण कथा में लिखा है विप्राय दक्षिणाम दद्यात्, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। तो जो ऐसे नहीं, जब शास्त्र में लिखा है वही हम लोग चर्चा भी करते हैं। इसमें नहीं लिखा है, लेकिन शास्त्रों में अमाउंट भी लिखा है, लेकिन अमाउंट बता देंगे तो लोग कथा करना ही बंद कर देंगे। लेकिन उसको जो है हम लोग गुप्त रखते हैं, अमाउंट लिखा है लेकिन उसका अमाउंट ये नहीं, नोट नहीं लिखा है। अमाउंट का दक्षिणा का मतलब स्वर्ण लिखा है, और सोना, सोना देना चाहिए, क्योंकि सोना, और आज के हजारों साल पहले भी दक्षिणा वही थी और हजारों साल भी दक्षिणा वही रहेगी। अगर आप एक ग्राम सोना 2000 साल पहले दक्षिणा थी तो आज भी एक ग्राम सोना मान सकते हैं, उसकी कीमत आगे पीछे वही है, दक्षिणा वही है। भले अगर पैसा नोट को लेकर के आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दक्षिणा वही है जो हजारों साल पहले देते थे, हजारों साल बाद में। अब उतना भी न दे तो उसके बराबर मूल्य दे, उसका आधा दे, और कम से कम वो भी माना जाएगा। अब ये सब नियम बताने लगेंगे तो कथा ही बंद हो जाएगी, इसलिए जो अपने मन से देना हो दे भाई। प्राय दक्षिणा दद्यात् कथा सुत्ता धने सह, ब्राह्मणों को दक्षिणा, ततस्य बंधुभिः सार्धं विप्रां सप्रतिभोजयेत्, उसके बाद बंधु बांधव के साथ भोजन करना चाहिए। सपाद प्रसादं भक्षेत् भक्त्या नित्य गीतान्तरे, प्रसाद भक्षण करके, अब ये नहीं कि मोबाइल लेकर के बैठ जाना चाहिए, टीवी के सामने बैठ जाओ, तो यह दिया है कि कथा सुनने के बाद जाएं और भगवान का भजन कीर्तन करें। अतः स्वगृहम गच्छेत् सत्यनारायण स्मरण, भगवान सत्यनारायण का स्मरण करें, और कथा सुनने के बाद भी कुछ न कुछ भगवान का सत्संग होना चाहिए, सत्यनारायण स्मरण होना चाहिए। और एवं कृते मनुष्याणां वांछा सिद्धि भवेत्, विशेषतः कलयुगे लोकोपासितम्, इस प्रकार से जो मनुष्य करता है अवश्य ही उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। मनोवांछित फल के लिए आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, सत्यनारायण के पहली अध्याय की कथा आप अच्छे से सुन लें, आपको सारा जो है इसी में विधान दिया गया है। इति सत्यनारायण स्कंद पुराण रेवाखंड सत्र में कथा प्रथम अध्याय, गोविंदा बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नैमिष
नारायण भगवान की जय। शंख बजा दीजिए पंडित जी, शंख बजाइए पलट पलट के। ओम नमः श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण ब्राह्मण प्रिय दुखी ब्राह्मण को देख करके ब्राह्मण प्रिय भगवान। अब यहाँ पर भगवान ब्राह्मण प्रिय कहा गया है। ब्राह्मण प्रिय क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान का जो सर्वप्रथम कार्य होता है, घर में कई बालक भी होते हैं, सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? ब्राह्मण की। कोई भी संस्कार में सबसे पहले उन्हीं के लिए आवाहन होता है। विवाह करना तो सबसे पहले पंडित जी का ढूंढो, गुण मिलता है कि नहीं, तब वहां से शुरू होता है। तो संसार में कोई भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए, कोई भी धर्म को प्रारंभ करने के लिए हमें ब्राह्मण देवता की आवश्यकता होती है। इसलिए ब्राह्मण विधि से जो कार्य करते हैं, इसलिए आप भगवान ने रहेगी ब्राह्मण प्रिय। कोई भी कार्य करें ब्राह्मण से पूछ के करें, मुहूर्त पूछे ब्राह्मण से। आजकल तो ज्योतिष नाना प्रकार के बन गए हैं संसार में, लेकिन यहाँ पर भगवान ने ब्राह्मण प्रिय और ब्राह्मण दुखी ब्राह्मण को देख करके ब्राह्मण प्रिय भगवान वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थम प्रपच्छ द्विजमादरात और किमर्थम ब्रह्मसे विप्रम महि नित्यम सुदुखित। वृद्ध ब्राह्मण का उदाहरण करके भगवान स्वयं ही नारायण आज उनके कल्याण के लिए सम्मुख उपस्थित होते हैं। तो ब्राह्मण से उन्होंने पूछा कि किमर्थम ब्रह्मसे विप्रम हे ब्राह्मण देवता, क्यों भ्रमण कर रहे धरती में? तो सर्वंशो तो मैं छमी कथनम समय सभी मुझे आप विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मण उवाचा ब्राह्मण होती दरिद्रो हम भिक्षा से भाई भ्रमे महिम उपाय मिधि जाना सी कृपया कथया प्रभु। मैं ब्राह्मण हूँ, इस समय दरिद्रता ने मुझे घेर रखी है। दरिद्रा लक्ष्मी जी के एक बहन है, अगर जो लक्ष्मी जी का दुरुपयोग करता है उनके पास दरिद्रता पहुंच जाती है, और इसलिए हमें धन का सदुपयोग करना चाहिए, धर्म कार्य में लगाना चाहिए। दुरुपयोग करने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। तो अगर लक्ष्मी का उपयोग नारायण के काम से लगता है तो लक्ष्मी जी हमेशा चलो हमारे पतिदेव के काम में प्रयोग हो रहा है। तो इसे वृद्ध ब्राह्मण ने कहा सत्यनारायण विष्णु वंशधर, वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण भगवान ने कहा कि आप विष्णु वंशता था भगवान सत्यनारायण ही हैं जो मनोवांछित फल सबको देने वाले हैं। तस्य तम पूजन विप्र गुरु सर्वप्रथम उन्हीं का तुम पूजन करो, यद कीर्तन सर्व दुखे भी मुक्त भव मानव जीव के करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और विधान प्रदर्शनी विप्राया महस्य उन्होंने सारा विधान बता दिया सत्यनारायण सत्यवंतर दिया था भगवान सत्यनारायण सभी विधान बता करके वे अंतर ध्यान हो जाते हैं। तत्प्रतम संकरिष्यामि यदुक्तम ब्राह्मणेन वै संचित विप्रोसु रात्रो निद्रान्। ए व्रत मैं करूंगा, ऐसे मन में दृढ़ निश्चय किया। कभी कभी गरीब लोग दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, वो दृढ़ निश्चय अमीरों में बहुत बहुत आयात में नहीं देखा गया, गरीबों में देखा गया है। ऐसा मन में विचार करके रात्रि में उनको निद्रा नहीं आई, कल कैसे पूजा करेंगे, मैंने तो कभी पूजा किया ही नहीं, इसमें तो बड़ा विधि विधान होता है, कहीं गलती हो गया तो पाप लगने का डर, लोग पाप के डर से पूजा से वंचित रह जाते हैं। और ये नहीं सोचना चाहिए कि पूजा अगर आप शुरुआत करते हैं तो भगवान ही आपका सहयोग करेंगे, भगवत का कार्य करने जा रहे हैं तो भगवान ही पूरा करेंगे, आप पूरा नहीं कर सकते। आप संकल्प करो, और भगवान संकल्प इंसान करता है और पूरा ईश्वर करता है। तो इसलिए आप संकल्प ही नहीं करेंगे। युधिष्ठिर के पास राजसूय यज्ञ करने के लिए धन नहीं था, तो सबने कहा कि युधिष्ठिर आपने अपने बंधु बांधवों की हत्या की है, उसके प्रायश्चित के लिए राजसूय यज्ञ करो।
तो युधिष्ठिर ने कहा कि यज्ञ करो, मेरे पास तो धन नहीं है। तो भगवान ने कहा कि आप पहले मन तो बना लो आपको करना है कि नहीं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि करना तो है, पैसा नहीं तो है, पैसे की बात छोड़ो, आप मन बना लो पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। युधिष्ठिर ने मन बना लिया, संकल्प ले लिया कि हम राजसु यज्ञ करेंगे। तो अगर आपका संकल्प है तो मैं आपका संकल्प पूरा करूंगा। भगवान ने अर्जुन और भीम को लिया साथ में, तो बड़े भाई का संकल्प पूरा करना है, चलो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक जगह किसी समय में राजा ने यज्ञ किया था और सारा पात्र सोने के हुआ करते थे। जहाँ आजकल पत्तल रखते हैं ना, आजकल तो प्लास्टिक का प्लेट होगा आ गया है। तो उस समय जो भी पात्र होते थे, आज के जो भोजन के पात्र होते थे, भोजन का पात्र जूठा हो गया, क्या करो, उसको गड्ढा खोद करके उसमें डाल दिया जाता। सारे सोने के पात्र, सोने के गिलास, सोने की चम्मच, सोने की कटोरी। तो उस समय राजा ने सब व्यवस्था की थी, और भोजन करने के बाद सारा का सारा उसी में डाल दिया जाता, कुएं में गड्ढा खोदा गया था। जैसे आजकल पत्तल के लिए गड्ढा खोदते थे पहले, आजकल तो भी गायब हो गया। तो ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया था सोना, ब्राह्मण लोग भी नहीं ले जा सके, उन्होंने भी उसी गड्ढे में उस सोने को, दक्षिणा को उसी गड्ढे में डाल दिया। तो बाद में सब राजा वहां से यज्ञशाला को हटाए, पाटूट दिया, वो गड्ढा उसी के अंदर पड़ा था, वहीं ले जाकर के भगवान ने उसको खुदवाया। आगे किसका धन है, किसी का नहीं है। यज्ञ शिष्ट सिना संतो मुच्यन्ते सर्वे किम विषये, यज्ञ से बचा हुआ जो धन है सभी पापों को दूर करता है। आप इसी धन को निकालिए, इसी के द्वारा आपका राजसु यज्ञ संपन्न होगा। अर्थात अगर आप संकल्प करते हैं, उस संकल्प को पूरा ईश्वर करता है, कहीं न कहीं से चाहे खड़ा हुआ धन ही क्यों ना हो, आपको अनायास मिल जाता है। अचानक बहुत से लोग ऐसे होंगे यहाँ पर भी, उन्होंने कुछ अच्छे काम के लिए सोचा है, पैसा नहीं था, समय में पैसा पहुंच गया, कन्या का विवाह करना है, पैसा विषय है नहीं, लेकिन विवाह का आपने संकल्प लिया, परीक्षा तिलक हो गया, पैसा नहीं था, शादी के एक दिन या दो दिन पहले पता नहीं अचानक कहां से पैसा आ गया और शादी संपन्न हो गई। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, एक दो नहीं। तो अगर आप कोई अच्छा संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प को पूरा भगवान करते, लेकिन आप भगवान पे भरोसा रखो। तब हम तो कर, बस भगवान तो कुछ करते नहीं है, जब मैं ही करता हूं, भगवान तो हमको देखते भी नहीं, भगवान आजकल हमसे नाराज हैं। तो अगर भगवान के ऊपर अविश्वास रखेंगे तो आपका संकल्प पूरा होने में संशय है। भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, भगवान अवश्य संकल्प पूरा कर दे। ब्राह्मण ने मन बना लिया, मैं भगवान का पूजन करूंगा, प्रातः काल भिक्षा मांगने गया, पर्याप्त धन मिला, क्योंकि भगवान का स्मरण करके गया था, विश्वास था, तो विश्वास हम फलदायक, पर्याप्त धन मिला, उसी के द्वारा भगवान का पूजन किया। और पूजन करने के तथा सदर्मतम करिष्य भिक्षार्थम अगमद्विज तस्मिन्नेव दिने विप्र प्रचुरम धर्मात्मा तत्तेने बंधु विषादम सत्य सप्तमाचरात, प्राप्त पर्याप्त धन मिला, उसी से भगवान का व्रत किया, सर्व दुख विनिमुक्त सर्वसम समन्वित भव सद्विज श्रेष्ठ व्रतमस्य व्रतस्यास्य प्रभावतः सर्व दुख विनिमुक्त, एक नहीं सारे के सारे जितने भी दुख थे घर में वो सारा दुख खत्म हो गया, और सर्व संपत् समन्वित हर प्रकार से धन धान्य संपन्न हो गया, पैसे की कमी नहीं रही, धान्य खाने पीने की भी कमी नहीं रही, वस्त्र इत्यादि भी कमी नहीं रही, सर्व संपत् समन्वित सब कुछ मिल गया भगवान की कथा करने से। तथा प्रभृति कालम च मासी मासी व्रतम कृतम और एवं नारायण से दुर्लभ मोक्ष समाप्त। तो उसके बाद उसने ये हर महीना व्रत करने लगा। जब किसी को सफलता मिलती है तो उसको लगता है कि हाँ इससे मुझे सफलता मिली है तो मुझे ये करना चाहिए। बंबई में थे मुरारका सेठ थे, बंबई में और बड़े सेठ थे, उनका कोई बहुत बड़ा टेंडर फंस गया था। वो किसी ने कहा कि आप ऐसा करिए विंध्याचल माता जी के पास जाइए और सत्संग का आयोजन करिए। तो उन्होंने विंध्याचल में सत्संग का आयोजन रखा 9 दिन का। अब उसका जो फंसा हुआ जो टेंडर था वो भी सॉल्व हो गया, उसके बाद 200-300 करोड़ का ऊपर से और दूसरा मिल गया उनको काम, उनको लगाते विंध्याचल माता की कृपा से मिला है। तब वहीं उन्होंने संकल्प किया। तो पंडित जी कितने शक्तिपीठ होते हैं, कहा कि 51 शक्तिपीठ होते हैं। तो 51 शक्तिपीठ में वही संकल्प लिया, हमको 51 शक्तिपीठ में हमको सत्संग करवाना है, क्योंकि वहां करने से उनका काम बना। एक पाकिस्तान के शक्तिपीठ हिंगलाज है, वहां उनका नहीं हो पाया था, लेकिन उसके जगह पर फिर उन्होंने वैष्णव देवी में करके पूरा किया, तो वहां उनको परमिशन नहीं मिला। बांग्लादेश में भी गए,
मानसरोवर में गए, अमरनाथ गुफा में भी शक्तिपीठ है, सारा वो कल के एक ही वहां नहीं जाए, हिंगलाज में नहीं जा पाए थे। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से आपका काम बन भी जाता है, जितना आप नहीं सोचते उससे कई गुना ज्यादा आपका काम बन जाता है। ब्राह्मण के पास भी पर्याप्त धन हो गया, पहले एक बार कथा करने को तैयार नहीं, आज हर महीना कथा करने लगे। और उसी समय में एक लकड़ी हारा कथा ब्राह्मण के पास में पहुंचा, लकड़ी के गट्ठर को लेकर के आ रहा था, लकड़ी बेचता था, भूख प्यास से पीड़ित था। ब्राह्मण के पास में गया, देखा तो ब्राह्मण देवता भगवान की पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण से जाकर के उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण देवता आप क्या कर रहे हैं, और प्रणिपत्य दिजम प्राह किमिदम क्रियते त्वया कृते वे फलमाप्नोति विस्तरात् बदवत् प्रभो। मैं ये जानना चाहता हूं, विस्तार से कही आप क्या कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु वाचा सत्यनारायण सेवम व्रतम सर्वेक्षितप्रदम तस्य प्रसादान्य सर्व धनान्यधिकम महत्। मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूं। ये व्रत क्या है, कैसा है? सर्वेक्षितप्रदम, सभी मनोवांछित फल को देने वाला व्रत है सत्यनारायण का। और इससे क्या काम हुआ, मैं धन धान्य से संपन्न हुआ। पहले मैं गरीब था, भिक्षा मांगता था, लेकिन जब से मैंने भगवान की कथा शुरू की तब से मैं भिक्षा मांगना बंद हो गया, अब मुझे मार्ग मिल गया। तो भगवत कार्य से हमें सही मार्ग मिलता है। अब भगवान से विमुख है तो हम मार्ग भटक जाते हैं, अगर मार्ग पाना है तो भगवान के साथ जुड़िए। सत्य प्रसन्न हुआ, घर में गया, उसका भी रात भर नींद नहीं आई, प्रातः का लकड़ी बेचने गया, पर्याप्त धन मिला, उसी धन के द्वारा भगवान का कथा करके। और तत्व्रतस्य प्रभावेण धनभुक्तान् निको भवत् इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम। लकड़ी हारा भी संसार में भगवान का व्रत करके धन पुत्र, संतान और धन दोनों की प्राप्ति हुई और संसार में सुख भी मिला, अंत में मोक्ष प्राप्त हुआ। इति स्कंद पुराण एवाखंड निबद्ध कथाएं द्वितीय अध्याय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ओम आओ मुरली वाले, आओ बंसी वाले, आओ मुरली वाले, आओ बंसी वाले, माखन खाने वाले, तीन चराने वाले, माखन खाने वाले, तीन चराने वाले, आओ मुरली वाले, आओ बंसी वाले, आओ मुरली वाले, आओ बंसी वाले, रास रसाने वाले, गिरवर उठाने वाले, रास जबकि बहुत बड़े धन धान्य से संपन्न लोग, जितेंद्रिय कम हुआ करते थे लेकिन राजा होते भी जितेंद्रिय थे, सत्य बोलते थे और ययो देवालय प्रति प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाते थे। दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजं संतोषयति, प्रतिदिन ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट रखते थे। भार्या तस्य प्रमुख दास सरोज वजना से, उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह धर्म परायणा थी। भद्रशिला नदी तीरे सत्य से प्रतिमाद, एक दिन भद्रशिला नदी के किनारे में सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे। साधुरी समागत वाणिज्यम बहुधनी अनेक परिवर्तित, एक उसी समय व्रत पूजा करते समय एक साधु नाम के वैश्य व्यापार से लौट रहे थे, भद्रशिला नदी पार करके नाव किनारे में लगाया और राजा के पास जाकर के पूछा, नाव संस्था तीर जगह
दृष्टास्पर्धन प्रपश्य प्रपच्यति विजय विनयान्वित विनयपूर्वक पूछा, क्या पूछा साधुरुवाच, किमिदं कुरुषे हेरादन भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरुतः सर्वं श्रोतुम् इच्छामि साम्प्रतम्। हेरादन मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, ये पूरा हमारे बताने की कृपा करें। राजा ने कहा, पूजनं क्रियते साधो विष्णु अतुल तेजस, मैं भगवान नारायण की पूजा कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं, भगवान अतुल तेज वाले हैं, अतुल शक्ति वाले हैं। और व्रतम चोरे साधम पुत्र प्राप्ति का, मेरा मैं संतान प्राप्ति की, कहते हैं कि बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को क्या जरूरत पड़ी भगवान की पूजा करने, बड़े लोगों को क्या जरूरत पड़ी मंदिर जाने के। लोग सोचते हैं कि गरीब लोग ही पूजा करते हैं, गरीब लोग ही तीर्थ यात्रा करते हैं, अमीर लोग नहीं करते हैं। तो राजा ने कहा कि सबको जरूरत पड़ती है, भगवान ने सभी को सर्वगुण संपन्न नहीं बनाया है। अगर आपको सर्वगुण संपन्न बना देते भगवान तो क्या आप नैमिषारण्य में आते हैं? क्यों हम मंदिर जाते हैं, क्यों तीर्थ में जाते हैं, क्यों गुरु के पास जाते हैं, क्यों माता पिता के पास जाते हैं? हमें जरूरत है, क्योंकि हमें भगवान ने सर्वगुण संपन्न नहीं बनाया। भगवान ने जानबूझ करके सर्वगुण संपन्न नहीं बनाया। अगर सर्वगुण संपन्न बना दें तो भगवान को कोई पूछेगा ही नहीं, ना तो माता पिता को पूछेगा, ना तो गुरु जी को पूछेगा, ना तो कोई तीर्थ यात्रा जाएगा। तो भगवान की कृपा है, अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो भगवान की कृपा समझें। और भगवान ने हमको जैसे बनाया, लूला लंगड़ा सीधा उल्टा सीधा जो भी बनाया, भगवान की कृपा है, यही समझना चाहिए। कि राजा को भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास एक कमी है, सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, ये भी कमी है। तो इस कमी को पूर्ण करने के लिए मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। साधु ने भी कहा कि भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवा साधा सर्वं कथय मे राजन् करिष्ये अहं तवोदितम्। और ममापि संतति नास्ति एतत् मा जायते ध्रुवम्, मेरे पास ही संतान नहीं है। ततो निशिजवाणिजन सानंदो गृहमागत। अब ये सुन करके अगर संतान की प्राप्ति भगवान सत्यनारायण की कथा से होगी, मैं भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, ऐसा मन में संकल्प लेकर के घर गया। भार्या ये बदकरम सर्वम व्रतम संतदायकम तदा व्रतम करिष्यामि तदा यदा मे संतति भवेत् इति लीलावती प्राह पत्नीं साधोस सत्तमः। भार्या ये कथितम, अपने पत्नी से जाकर कहा हमारे घर में संतान नहीं ना, कहा हाँ। तो संतान होने के लिए हमने एक पूजा देखी है, कौन सी पूजा, भगवान सत्यनारायण की पूजा। तो चलिए अच्छी बात है, बहुत दिन से हम लोग सोच ही रहे थे कोई ऐसा व्रत पूजा मिले तो हमें शीघ्र कर लेना चाहिए। तो लेकिन वैश्य लोग जो कारोबारी लोग होते हैं उनके पास समय कम रहता है, संकल्प लेते हैं एक बार टूट गया, एक बार दो बार तीन बार, तो यहाँ तक शादी उदी आना जाना पता नहीं कितने बार फ्लाइट के टिकट कैंसिल हो जाता है, कितने बार ट्रेन का टिकट कैंसिल होता है। गरीब लोगों का तो एक आध बार होता नहीं होता, लेकिन अमीर लोगों का टिकट ज्यादा ही कैंसिल होता है, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधा व्यवधान हो जाता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से उसके पास व्यापारी था, तो वहां भी टाल मटोल कर दिया। क्या टाल मटोल किया, तदा व्रतम करी श्यामी यदामे संतति भवेत, अर्थात यहाँ पर जोड़ दिया लाभ। व्यापारी लोग हैं, पहले लाभ देखते हैं, अगर हमें लाभ मिलेगा तो हम व्रत करेंगे। लाभ का मतलब जब संतान होगी तो हम भगवान की पूजा करेंगे, यदा में संतति भवे, संतान होने के बाद पूजा करेंगे, लाभ पहले चाहिए पूजा बाद में। इति लीलावती प्राह पत्नीं साधु समाह, ऐसे लीलावती से कहा, उसके बाद साधु विवाह समय तस्य करिष्यामि व्रतम विभिर एक एतस्मिन् नन्दे दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती। एक दिन उसके और गर्भ धारण हो गया और समय आने पर पत्नी ने कन्या रत्न को प्राप्त किया। दसवे मास में तस्या कन्या रत्न जायत, दिने दिने सपवित्रे शुक्ल पक्षे दासची, चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी, नाम कलावती रखा। नाम ना कलावती चेत इदं नाम करणं कृतं ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वच। तब संतान होने के बाद पत्नी को याद था, आजकल धर्म पत्नी को ही पूजा पाठ के विषय में याद रहता, पति तो भूल जाते हैं कब क्या संकल्प लिया था। तो संतान होने के बाद पत्नी ने समझाया कि न करोसि किमर्थम भाई पूरा संकल्पितम व्रतम, क्या पहले आपने संकल्प लिया था संतान होने के बाद हम भगवान का व्रत पूजा करेंगे तो नहीं करेंगे क्या? तो उसने साधु ने कहा कि विवाह समय तस्य करिष्ये करिष्यामि व्रतम। विवाह का समय आएगा ना, जब कन्या छोटी है अभी, जब बड़ी हो जाएगी विवाह के समय में हम करेंगे। विवाह समय ग्रह शांति करनी होती है, अब पूजा पाठ करनी, तो उत्तर प्रदेश में तो अधिकतर ये
हल्दी उल्दी में ही सत्यनारायण कथा या मंत्री पूजा भी सत्यनारायण कथा भी रखते हैं, है ना, पूर्व पूर्वोत्तर में, पूर्व भारत में। तो विवाह के समय में हम सत्यनारायण कथा कर लेंगे, सब लोग आजकल विवाह के समय ही करते, तो हम भी विवाह के समय कर लें, ऐसे पत्नी को आश्वासन दे करके। यात्रा में निकल गया व्यापार के लिए, तत्र कलावती कन्या बबी देव इति विषय, पति पति के घर में बढ़ने लगे। और दृष्टा कन्या तदा साधन नगरे मंत्री तदंदूरम प्रेषे, एक दिन वहां से व्यापार से लौटा तो देखा तो घर में पत्नी अकेली, कन्या कहाँ गई, कुछ सहेलियों के साथ गई है कहीं खेलने, दोस्तों के साथ, यारों के साथ। तब उसको लगा कि अगर माता पिता की उंगली छोड़ कर कहीं दोस्तों के साथ अपने सखियों के साथ घूमने लग जाए तो कन्या का समय लेने का विवाह का समय हो गया, अब जल्दी से जल्दी विवाह कर दो। तो नगरे सखिवी सह, सखियों के साथ नगर में भ्रमण करने लग गई है, तो विवाह का समय हो गया। तुरंत मंत्री तदंदूरम प्रेषया मास धर्मवीत, तो चलो इसका विवाह करना चाहिए, अभी धर्मवीत विवाह करो, नहीं तो बाद में जो है विवाह भी गड़बड़ हो सकता है। कि कन्या का विवाह में विलंब नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपने परिवार में कहीं कहीं और कुछ कलंक भी लग सकता है। आजकल विशेष कलयुग में तो देखा भी गया है कहीं कहीं ऐसा भी समस्या देखने को मिलता है। तो इसी में कन्या के विवाह में ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। विवाह तंत्र कन्या या परम श्रेष्ठ विचार तेना गतस्तुतो सु कांचन नगर, और कांचनपुर लोग कहते हैं, कांचनपुर बम्बई है, तो जहाँ बहुत कंचन ज्यादा रहता है, तो बम्बई से ही जो कोई लड़का देखा, बड़े शहरों का लड़का ही ठीक ठाक रहेगा, कमाऊ लड़का रहेगा, उन्होंने विवाह कर दिया। तस्में देखो बड़ी पुत्र समाधाय गतो हित, वैश्य थे उन्होंने भी बड़ी पुत्र ही देखा, वैश्य को वैश्य के साथ ही विवाह करना चाहिए, यहाँ पर सत्यनारायण कथा में भी दर्शाया है। दृष्टा सुंदरम बालम बणिक पुत्रम गुणान्वितम, देखा कि गुणान गुणान्वितम, यहाँ भी गुण मिलाया जाता था उस समय, गुण मिले तो शादी करो, तो इसलिए गुणान्वितम ने गुणवान है, गुण मिल रहा है। और ज्ञाति बंधु विषादम पित्ते तुष्टे न चेत सातवान साधु पुत्र कन्या विधि विधान, कन्या का विधि विधान से शादी विवाह किया, इसलिए शादी में विधि विधान से ही करना चाहिए, लेकिन आजकल विधि विधान गायब हो गया है। और ब्यास जी ने भी कहा ना, हम लोग बहुत मुहूर्त देते हैं, लेकिन उन मुहूर्तों में 90% तो मुहूर्त में विवाह होता ही नहीं, 10% ही कोई बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं, 10% लोग हैं कि अरे मुहूर्त निकल रहा है वो मुहूर्त में होना चाहिए। और जो लग्न होता है ना, विशेष करके विवाह में लग्न देखा जाता है, कौन सा लग्न है, स्थिर लग्न में विवाह होना चाहिए। और स्थिर लग्न का पंडित जी ने दिया है, स्थिर लग्न निकल गया वो तो 1-1.5 घंटे का रहता है, फिर बाद में चल लग्न दुष्स्वभाव का लग्न आ गया, फिर लग्न बदल गया, तो लग्न बदल गया तो भाव भी बदल जाता है, और चल स्वभाव का लग्न आ गया तो जो स्थिर जो है विवाह बंधन स्थिर तो होगा नहीं, तो चल हो जाएगा। तो चल लगने में अगर आपने विवाह किया तो उसका कोई भरोसा नहीं, फिर इसीलिए विवाह में लग्न देखा जाता है। तो यहाँ पर विधि विधान, विधि विधान का मतलब होता है जो समय विवाह का समय जो निश्चित किया गया। आजकल विवाह का समय विवाह भी उन्होंने विधि विधान से किया। उसके बाद विवाह करने के बाद पति और दोनों विवाह अपने जवाई राजा को लेकर के निकल गए व्यापार में। पहले तो अकेले व्यापार करते, चलो एक पार्टनर भी हो गए, बिना पार्टनर के व्यापार भी आगे नहीं बढ़ता है, आगे बढ़ाने के पार्टनर की जरूरत पड़ती है, लेकिन आगे बढ़ाना है, लेकिन पीछे एक संकल्प रह गया। अब ये कन्या का विवाह मान लीजिएगा, शास्त्रों में कहीं भी प्रमाण आता है बाल विवाह का, भागवत के पूरी भागवत में एक भी बाल विवाह का प्रसंग नहीं है, चाहे कर्दम देवहूति का विवाह भी बड़ी होने के बाद ही हुआ है, और चाहे भगवान का विवाह हो गया, कोई भी रुक्मिणी की विवाह हो गया, कोई भी छोटी कन्या का विवाह, अर्थात बाल विवाह भागवत के अंदर नहीं है, अन्य शास्त्र की बात नहीं करता हूं, भागवत के अंदर कोई भी बाल विवाह नहीं है। तो एक कन्या का विवाह करने के लिए भले 12-13 साल 14-15 साल का रहा होगा, 15 साल पहले जो संकल्प लिया था वो संकल्प भी विवाह के समय में पूरा नहीं किया। लोग कहते हैं ना उत्तर भारत में कि मन्नत माना था, अब मन्नत से जो है संतान हुई है, तो ये आजकल लोग मन्नत मान लेते हैं, चाहे विंध्याचल माई के लिए, चाहे हनुमान जी के लिए, हनुमान जी जब हमारा काम पूरा हो जाएगा आपको 5 किलो लड्डू चला देंगे। अब माई के पास मन्नत लिए जाते हैं लोग, हमारा काम हो जाए तो आपको ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन बाद में होने के बाद माता जी ने थोड़ी किया है, हनुमान जी ने थोड़ी किया है,
वो सारे जो है भूल जाते हैं, तो उसका भी हमें दोष लगता है। और उसका दोष का फल कब मिलता है? 15-16 साल बाद, तब आप भूल चुके होते हैं कि हमने कभी ऐसे संकल्प लिया था। तो संकल्प लेने के कारण भगवान को भूल गए, सत्यनारायण कथा भी रह गई, भगवान हो गए नाराज। नाराज होने के मतलब व्यापार के लिए गए थे, जहां रास्ते में एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे, वहीं किसी राजा के यहां से चोरों ने राजा का धन चुराया, राजा के दूत पीछे पड़ गए। चोरों ने देखा कि राजा के दूत हमें तो पकड़ लेंगे, डर के मारे सारा धन, वो दोनों ससुर और जमाई राजा सो रहे थे, वहीं पर धन को गट्ठर को रखा, स्वयं झाड़ी में छिप गए। राजा के दूत आए, पकड़ कर ले गए, और राजा के शीघ्रम दृढ़ तो स्थापित हो तो महादुर्गे कारागारे विचारत, उसको पकड़ कर ले गए, राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा ने क्या किया, इनको कारागार में डाल दिया, कहा कि हम लोग चोर नहीं, हम लोग व्यापारी है, लेकिन राजा का धन उनके पास था, इसलिए जो है कहीं भी जाएं और ऐसे सब के सब सो जाना नहीं चाहिए यात्रा में, तो विशेष करके आजकल ट्रेन में भी जब सब सो जाते ना, कोई ना कोई चोर सामान उठा के लेके जाता है, तो पहले तो ज्यादा था, आजकल थोड़ा कम हो गया है। तो इसीलिए जो है ऐसे निश्चिंत होकर के मार्ग में, यात्रा में, सफर में नहीं सोना चाहिए, कोई आपका गलत फायदा उठा सकता है। दोनों सोने के कारण थके मारे ने दोनों सो गए थे, चोरों ने उनके पास धन रखा, उनको जेल खाने में जाना पड़ा। अब कहा कि हम निर्दोष है, हम निर्दोष है, ये तो सब कहते हैं, हमको गलत फंसाया गया, हम तो जेल में जाने वाले नहीं थे। बहुत से ऐसे जेल में आज के जितना जेल काट रहे हैं, सब यही कहते हैं मैं गलत फंस गया हूं। तो गलत नहीं फंसा है, हो सकता है कि किसी जन्म जमाने में कोई मन्नत मान लिया हो, वो पूरा न किया हो, तो उसके कारण वो जेल जाना पड़ा हो। इसीलिए कहीं भी पहली बार तो संकल्प लेना नहीं चाहिए, मन्नत लेना नहीं चाहिए। अगर मन्नत ले लिया हो उस मन्नत को पूरा करिए, नहीं तो आजकल नहीं 15-16 साल बाद भी वो भुगतना पड़ सकता है। वहां से जेल में बंद कर दिया, इधर घर में भी चोर आकर के सारा धन चुरा के ले गए। जब पतिदेव नहीं है और घर में रक्षक नहीं है तो कोई भी हावी हो जाते हैं, कोई भी गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए घर में माँ और बेटी अकेली थी, धन लेकर सारा चोर धन लेकर के चले गए। अब भिक्षा मांगने को मजबूर हो गई दोनों माता बेटी। ये आज भी देखा जा सकता है, रेमंड कंपनी का मालिक पहले हजारों का मालिक था, आज भाड़े के रूम में रहने को मजबूर है। क्यों? कि कहीं ना कहीं उसने भी किसी समय में कुछ गलत किया होगा, तो आज ऐसे निर्धनता में जीना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से संसार में आज भी ये देखा सुना जाता है कि और धनाढ्य व्यक्ति भी आप गरीबी में जीने को मजबूर होना पड़ सकता है, कलयुग है। इसलिए आज भिक्षा मांग करके जीविका चलाने लगी। एक दिन कन्या भिक्षा मांगने के लिए काफी दूर निकल गई, वहां भगवान ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण कथा चल रही थी। इसी प्रकार से सत्यनारायण कथा चल रही थी, अब बाहर सुन लिया तो सत्यनारायण कथा में आकर के बैठ गई। सत्यनारायण कथा में सुनने लगी तो मनोमांछित फल की प्राप्ति होगी सत्यनारायण कथा से। तो माता जी को विलंब से गए, माता ने कहा कि बेटी तू कहाँ गई थी? कन्या ने कहा कि कहीं नहीं गई थी, भिक्षा के लिए गई थी, ब्राह्मण के घर में कथा चल रही थी और प्रसाद लेकर के आई हूँ। तो कन्या का कौन सा प्रसाद है? ये भगवान सत्यनारायण का प्रसाद है। तो सत्यनारायण का नाम लेते ही माता जी को पुरानी बात याद आ गई, ये सत्यनारायण का पूजा करने का संकल्प तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे जन्म के पहले लिया था। तो हो सकता है कि कहीं कहीं भगवान आपके पास गरीबी या संकट या बीमारी इसलिए भी भेजते होंगे, शायद भूली हुई बातों को याद करो। अगर वो माँ बेटी के पास पर्याप्त धन होता तो सत्यनारायण कथा याद न कर पाती, लेकिन आज धन से निर्धन हो गई तो बीती हुई बातें भी याद आ जाती है। अमीरी में बीते हुए पुराने मित्र भी भूल जाते हैं ना, शायद कहीं देखा होगा, लेकिन अगर गरीबी आ जाए अरे हमारा मित्र है। अब पैसे आने के बाद अपना मित्र भी लोग भूल जाते हैं, लेकिन पैसा नहीं है तो सब याद करते हैं। तो हो सकता है कि भगवान भी कभी कभी गरीबी इसलिए देते हैं, तुम अपना संकल्प याद करो, संकल्प दोहराओ, ये भगवान की कृपा ही है। उन्होंने तुरंत पतिदेव के नाम से संकल्प लिया, हमारे पतिदेव का संकल्प था, पतिदेव इस समय हमारे पास नहीं है,
कहाँ है कि नहीं है ये भी पता नहीं है, लेकिन उनका संकल्प था सबसे पहले उनका अधूरा संकल्प पूरा करना चाहिए। दोनों माँ बेटी ने मिलकर के संकल्प के पति का लिया हुआ संकल्प पूरा करने लगी, अर्थात सत्यनारायण कथा का आयोजन किया। आयोजन करते ही भगवान तो दूर की बात भी सुन लेते हैं, अचानक गजेंद्र मोक्ष प्रसंग, भगवान वैकुंठ का यह स्थान यहां से करोड़ों किलोमीटर दूर है, करोड़ों किलोमीटर वैकुंठ, लेकिन धरती में गजेंद्र हाथी ने भगवान को पुकारा तो भगवान सुन लेते हैं। तो इंसानों की आवाज तो भगवान समझ में आते हैं, इस तरह भगवान जानवरों की आवाज भी समझते हैं। कबीर जी कहते हैं कि चींटी के पग घुंघरू बांधे वह भी साहब सुनता है, तो चींटी के पैर में घुंघरू की आवाज कितनी होगी, तो भगवान इतने धीरे भी बोलेंगे तो भी परमात्मा सुनते हैं। तो हाथी ने जो बोला अर्थात जानवरों की भाषा भी भगवान सुन ले, भगवान ने सुन लिया क्यों। और ये भी ऑनलाइन व्यवस्था है, अब उनके पति किसी देश में राजा के यहाँ जेल में पड़े और पत्नी ने घर में से पूजा किया तो ऑनलाइन फल पहुंच गया जेल में। अब वहां पहुंचते ही राजा को स्वप्न हुआ, अब भगवान स्वप्न भी देते हैं, स्वप्न में भी आदेश करते हैं, लेकिन आजकल स्वप्न देखने का समय भी सही नहीं रह गया, क्योंकि स्वप्न देखा जाता है कब, त्रिजटा भी कहते हैं गए दिन चारी चौथे प्रहर में स्वप्न जो दिखा जाता है वो सही होता है, आजकल चौथे प्रहर में लोग सोते हैं, वैसे सोना चाहिए कब, रात्रि के समय में। अब वो गणना कैसे करनी चाहिए, हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ 8 भागों में समय को बांटा गया है, ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः, दोपहर काल, मध्यान्ह काल, अपराह्न काल, सायंकाल, रात्रि काल और महानिशा काल। तो रात्रि का समय होता है रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे के अंदर, वैसे 10 बजे तक सो जाना चाहिए, जो 10 बजे तक सोता हो तो उसके लिए जो सपने की बात है सही घटित होती है। अगर लोग मोबाइल के चक्कर में, टीवी कंप्यूटर के चक्कर में सवेरे 3 बजे 4 बजे सोएंगे तो न तो आपको स्वप्न में कुछ आदेश मिलेगा न तो स्वप्न की बात घटित होगी। तो समय से सोने पर ही समय से स्वप्न की बात सही होती है। राजा ने स्वप्न में देखा और स्वप्न में कहा किसी ने कि तुमने निर्दोष वैश्य को बंदी बनाया है, जेल में बंद है तुम्हारे जेल में, उनको बाहर करो अन्यथा तुम्हारा बड़ा अनिष्ट होगा। राजा घबरा गया, स्वप्न में किसी ने ऐसा कहा, तो वहां पर मंत्रीगणों को बुलाया और भेजा जेल खाने में पता लगाने, देखो कौन कौन है जो निर्दोष बंद है। मालूम पड़ा है दोनों वैश्य तो निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, अर्थात सन्मुख हो जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अगर नासहिं तबही। जब भगवान सन्मुख हो जाते हैं ना, जन्म जन्मांतर जो पाप है वो सारा अपने आप कट जाते हैं। आज भगवान सन्मुख हो गए तो उनका पाप से मुक्ति मिली, अर्थात भगवान सत्यनारायण की कथा करने से ही वो पुण्य जेल में पहुंच गया। तो इसीलिए ऑनलाइन से भी फल मिलता है और ऑनलाइन हमारे इसमें लाइव में भी काफी लोग जुड़े रहते हैं देश विदेशों से ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन से भी जो है फल मिलता है। तो घर में अगर माता बेटी पति के संकल्प से, अगर पत्नी का अधिकार है अर्धांगिनी है, अगर आपके पति ने कहा कि हमारा पतिदेव नहीं है पूजा मैं कैसे करूं, बिल्कुल कर सकती है पति का संकल्प लेकर के। जब भगवान राम सोने की सीता बैठा सकते हैं आपके आप भी तो बैठा सकते हैं बगल में, तो उसमें जो है आप ले करके अवश्य करें, तो उसके करने से उनको अवश्य फल मिलता है। राजा ने बाहर निकाला जितना धन था उसका दुगुना धन देकर के धन के रक्षक दूतों के साथ उसके घर की ओर प्रस्थान किया। इसी स्कंद पुराण ने वाग्ने में कथायाम तृतीय अध्याय गुरु वृंदावन विहारी नारायण की मेरे तो आधार राधे श्याम की चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे
लक्ष्मी के चरणारविंद विष्णु के चरणारविंद लक्ष्मी के चरणारविंद विंद मेरे तो आधार लक्ष्मी नाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार लक्ष्मी नाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार भगवान की जय। चौथे अध्याय में कथा आती है यीशु तो वाचा यात्रा तो कृतवान साधन मंगलानाय पूर्विका ब्राह्मणे प्यो धन दत्वा तदा तो नगरम ययो। वहां से दोनों वैश्य धन लेकर के आगे बढ़े और कुछ ब्राह्मणों को गरीबों में धन बांट। अगर आपके पास पर्याप्त धन है जरूरतमंदों को भी देना चाहिए, जो गरीब हो लाचार हो ऐसे लोगों को भी धन वितरण करना चाहिए, क्योंकि दरिद्र भी नारायण का स्वरूप है, इसलिए दरिद्र नारायण भी कहा गया है। इसलिए दरिद्र को भी नारायण के रूप ही माने, इसे मान करके गरीबों में कुछ धन प्रदान किया। वहां से धन लेकर के आगे बढ़े और कियत दूरे गते साधो सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान साधो किमस्ति तव नौस्तिकम् जिज्ञासा। हम जानना चाहते हैं अरे साधु वैश्य तुमने नाव में क्या रखा है। ततो महाजनो मत्तो हेलया च प्रयस्व कथम पृच्छसि बोधन्ये मुद्रां केतुनिच्छति। और मत्तो जब लोग ज्यादा मतवाले हो जाते हैं, धन पाने का भी एक मद होता है, मदिरे का ही मद नहीं होता है। और कनक कनक कनत कनक पे सौ गुणी मादक अधिकाय, मतलब एक कनक धतुरे में को भी कनक कहते हैं, कनक मतलब सोने का भी है, धतुरे के जो है मादकता से पैसे की मादकता ज्यादा है। अब चाहे ये खाए बौरावत है वो खावे बौराव, अब जो है पैसा आने के बाद भी लोग जो है कभी कभी मति बिगड़ जाती है लोगों की। ऐसा धन मत लें जिससे मति बिगड़ जाए, देश दुनिया को छोड़ करके कहीं विदेश जाकर के शरण लेना पड़े, ऐसा धन भी अच्छा नहीं होता है। तो देखो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण पीछे तक सुनाई दे रहा है ना, बिना माइक के चलेगा ना। यहाँ सूत जी बिना माइक के सुनाए थे उस समय में, शायद सूत जी ने हमारे ऊपर कृपा की है कि तुम भी बिना माइक के सुनाओ। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो ततो महाजनो मत्तो हेल याचे प्रयस्वे, उसमें धन पाने के बाद मतवाले हो गए। अब मतवाला व्यक्ति झूठ बोल लेता है, कई सही बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि सन्यासी रूपी भगवान ने जिज्ञासा बस पूछा था कि मैं जानना चाहता हूं कि तुमने नाव में क्या रखा है। तो दोनों मतवाले हो गए थे, उन्होंने कथम पृच्छसि बोधन ने मुद्रां के तुमने जैसे क्यों तुम धन चाहते हो, इसमें तो धन वगैरह कुछ नहीं, क्या है फिर। लता पत्राधिकम से वर्तते तरो मम, इसमें लता पत्रा धन्य मेथी मसाला सब भरा हुआ है।
निष्ठुरम से बता सकता सत्यम सत्यम भवते बता या इस प्रकार का निष्ठुर भगवान निष्ठुर वचन सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए निष्ठुरता से मत बोलिए, जो है सही वही बोलिए, जो गलत है उसको मत बोला करें। झूठ बोलने से भी भगवान ने फल पलट दिया, इसलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा कि मोहि कपट छल, मुझे कपट छल कपट पसंद नहीं है। निर्मल मन जन है जिनका मन निर्मल हो। निर्मल मन किसका होता है? जो वचन में वही, कर्म में वही, वाणी में, वचन में, कर्म में वही है, वही निर्मल व्यक्ति है। बोलता कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, तो इसको कपट कहा जाता है। ऐसा निष्ठुर अंदर मन में तो था कि इसमें धन है, मुंह से बोला धन नहीं है। लोग कहते हैं कि अरे मन को साफ रखो, ये सब दिखावा आजकल थोड़ी ठीक थोड़ी है, टीका लगाने क्या जरूरत है, ये धोती पहनने की क्या जरूरत है, ये सब दिखावा भगवान नहीं चाहते। भगवान तो चाहते बस मन को साफ रखो, तो ऐसा भी नहीं चलता है। तन भी सुंदर होना चाहिए और मन भी सुंदर हो। मात्र मन को सुंदर रखें और तन को बिगाड़ दे, उसको भी भगवान पसंद नहीं करते। इसलिए तन मन दोनों को ही सुंदर रखें। जैसे भीष्म पितामह का मन था पांडवों के साथ और तन दुर्योधन के साथ, और तन की रक्षा भगवान ने नहीं की, अर्जुन की बाणों से छलनी हो गए। और भगवान के बहुत बड़े भगत थे, लेकिन और भगवान उस समय नहीं गए क्योंकि इनका जो तन का साथ है, ये अधर्म दुर्योधन अधर्म के मार्ग में चलता था। दुर्योधन के साथ है इसका मतलब तन का साथ दुर्योधन अधर्म का साथ है, अब मन का साथ भगवान है। तो जब तन का साथ जब तक नहीं छूटेगा तब तक भगवान कैसे जाएंगे? तब जब दुर्योधन मारा गया तब भगवान हालचाल पूछने पहुंच गए बाण सैया में, कैसे हैं पितामह, अब पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका जो तन का साथ था अधर्म का साथ था, अधर्म भी जीवित था, दुर्योधन जीवित था, इसलिए तन को भी साफ रखिए, मन को भी साफ रखिए, तो ही भगवान उस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन भी है जन हमारा, शरीर भी निर्मल होना चाहिए। तो निष्ठुर वचन सुनकर के भगवान नाराज हो गए। नाराज होने के बाद भगवान यही तो करते हैं, भगवान नाराज हो गए, आपका सारा का सारा धन आपको गायब कर देंगे, पूरा धन गायब हो गया नाराज होने के बाद। धनी भगवान यही तो करते हैं, धन मतलब लक्ष्मी, तो आप भगवान नाराज हो गए, अब लक्ष्मी को अपने पास बुला लिया, तुम चले आओ मेरा अपमान कर रहा है, तो लक्ष्मी को बुला लिए, धन गायब, धनिया मेथी मिर्च मसाला वगैरह भरा था। और उस समय खोल कर देखा कि पहले दिन नाव तो बड़ा वजन था, उस समय सोने के चांदी के सर्पी मोहर वगैरह चलते थे दर्द में, तो देखा तो सब गायब हो गया, तो उधर ससुर तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। और उनके जमाई था, उन्होंने समझाया कि महाराज आपने जो है साधु को झूठ बोला है और उन्होंने ही ऐसा कुछ तंत्र मंत्र किया होगा कि हमारा धन गायब हो गया। महात्मा जी के पास गए, प्रोवाच वचनम धन नी बिलवन तम बिलोक्य जस मारोदी श्रणो तद वाक्यम मम पूजा बहिर्मुख। भगवान ने कह दिया भाई प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो, हमने क्या गलती की है, आपने सारा धन गायब कर दिया। तो भगवान ने कहा कि मम पूजा बहिर्मुख, तो मेरी पूजा से तुम बहिर्मुख हो गए हो, तो तुम्हारा मन धन में लग गया है, भगवान की पूजा में नहीं था, इसलिए मेरी पूजा से बहिर्मुख होने के कारण तुम सत्य को भूल गए हो। सत्य को भुलाने के बाद ही अगर असत्य के मार्ग पर चलने पर धन का नुकसान होता है, दुनिया जानती है असत्य के मार्ग से धन बहुत जाता है, और इसलिए जो है सत्य के मार्ग में चलो। तो भगवान ने आदेश दिया ममा क्या चतुर्बुद्धि लतम दुख मोहर मोह, जब तुमको दुख मिला है ना वो मैंने ही दिया है, ये मत समझो कि कोई अड़ोसी पड़ोसी ने दुख दिया। लोग कहते हैं कि तो हमारे जो है जब सुख मिलता है तो कहा कि मैंने किया, जब दुख मिलता है तो हमारे पिताजी ने हमारा साथ नहीं दिया, माँ भी हमसे जलती थी, हमारा भाई भी मेरा साथ नहीं देता था, अड़ोसी पड़ोसी ग्रह दशा सब
ग्रहों को भी दोष, अड़ोसी पड़ोसी अपने बंधु बांधव सबको दोष देता है कि मैं गरीब क्यों हूं, इन सब के कारण मैं गरीब हूं, मैं धनी क्यों हूं, मैं अपने कारण धनी हूं। तो भगवान कहेंगे जो तुमको दुख मिला है ना वो दुख मैंने ही दिया है। इसका मतलब ये समझे, अगर हमको जीवन में कोई दुख आवे तो समझ लेना कि भगवान का प्रसाद है। हो सकता है कि कुछ हमने भुला दिया हो, हम भूल गए हों, वो बात याद दिलाने के लिए भगवान ने हमें दुख दिया है। और भगवान ने कहा कि सत्य के मार्ग को तुम मत भूलो, सत्य का सत्य के राह में चलो, तुम्हें तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान ने उनको आदेश दिया, वहां से धन लेकर के आगे बढ़े और अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। और यहाँ घर में जाने पर उनको सूचना मिली कि माँ बेटी दोनों भगवान की पूजा कर रही थी। पूजा करते समय सूचना मिली आपके पतिदेव पहुंच गए हैं। तो पूजा पाठ में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सूचना, शुभ सूचना मिल जाती है। कोई भी पूजा में भले आप याद करते हो न करते हो, अगर आप पूजा सच्चे दिल से श्रद्धा से भक्ति से कर रहे हैं, पूजा पाठ में बीच में कोई ना कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। लेकिन बशर्ते भगवान पे विश्वास, ये नहीं कि पड़ोसी ने चार बार सत्यनारायण कथा किया, हमने तो एक बार भी नहीं किया, लोग क्या सोचते होंगे, पूजा पाठ नहीं मानते, हिंदू है कि मुसलमान है, तो डर के मारे भी एक दिन कथा का आयोजन कर लेता है। तो ये जो है ये मन से नहीं कहा जा सकता उसका, भले दूसरे के देखा देखी में सही करना चाहिए, एक बार करने दे, दो बार करने से धीरे धीरे श्रद्धा जगती है। तो ऐसे पूजन करते समय सूचना मिली आपके पतिदेव पधार रहे हैं। माता ने कहा कि बेटी तुम भगवान की पूजा की पूर्णाहुति करो, मैं उनके स्वागत के लिए नदी किनारे जाती हूँ। माता कन्या को छोड़कर नदी किनारे पहुंच जाती है, वहां जाकर के देखा उनके पतिदेव को लिवाने दे, कन्या का भी मन पूजा में नहीं लगा, पतिदेव आ रहे हैं बहुत दिन से पिछड़े हुए हैं। अब यहाँ परमात्मा की पूजा, भगवान सत्यनारायण की पूजा छोड़कर अपने पति से मिलने की उतावली में और उतावलेपन में प्रसाद लिए बिना चल पड़ी है। इसलिए पूजा की पूर्णाहुति बिना प्रसाद के नहीं होता है, अगर प्रसाद आप ग्रहण करें तो पूजा की पूर्णाहुति मानी जाती है। तो पूजा का प्रसाद न लेने से भी भगवान हो गए नाराज, इसलिए पूजा का प्रसाद लेना चाहिए। नदी किनारे पहुंच गई, भगवान हो गए नाराज, जिस नाव में उनके पतिदेव विराजमान थे, और नाव डूबने तूफान आ गया, आंधी तूफान में नाव डूबने लगी, हाहाकार मच गया, कन्या भी वह रोने लगी, चिल्लाने लगी, अब क्या करूंगी, हमारे पतिदेव नहीं दिखाई पड़ रहे, तो मैं भी नाव ऐसी नदी में ही कूद जाऊंगी, उनके चरण पादुका लेकर के कूदने को तैयार हुई। आकाशवाणी होती, तुम्हारे पति सुरक्षित बसते, तुमने भगवान का अपमान किया है, अपमान किया, प्रसाद नहीं लिया, तो प्रसाद ग्रहण करो तो तुम्हें अपने पतिदेव मिलेंगे। घर गई जाकर के प्रसाद लेकर के पुनः आई, जाकर के प्रसाद लेकर आए तो अपने आप आंधी तूफान बंद हो गया। इसीलिए जो आंधी आना, तूफान आना, बाढ़ आना, कहीं ना कहीं भगवान की नाराजगी है। भगवान के हमेशा खुश रखो, कहीं ना कहीं हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, तो भगवान के जो विधि का जो विधान को बदलने में हम लग जाते हैं, उससे हमें प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। तो विधि विधान के थोड़ी सी त्रुटि रहने पर भी उनको इतना बड़ा कष्ट होने से, गलती छोटी होती है लेकिन प्रायश्चित तो बड़ा लंबा होता है। भागवत में कथा आती है जड़ भरत की, जड़ भरत की कथा, तो कुछ ही दिन के लिए मृग के शावक में मन चला गया, तो इतने सैकड़ों वर्ष तपस्या किया था, उसका फल कहां गया? तो एक थोड़ी दिन, कुछ ही दिन के लिए, मृग शावक जब छोटा होता है, मृग शावक कितना जल्दी बड़ा हो जाता है, लग महीना दो महीना रहा होगा, महीना दो महीना मृग के बच्चे में मन लगा, उसके पहले सैकड़ों वर्ष तक भगवान के प्रति मन था, तो वो भी हल्का पड़ गया। इसलिए जब थोड़े समय में मृग के शावक के साथ मन लग गया, उसका उनका तीन जन्म बिगड़ गया, एक तो भरत जी का जन्म उसमें मर गए, दूसरा जन्म हिरण का मिला, तीसरा जन्म जाकर के जड़ भरत जी का मिला, तब जाकर के कल्याण हुआ। तो गलती थोड़े समय की लेकिन प्रायश्चित कितना लंबा, तो जैसे सोच समझ के भी गलती ना करें, हो सकता है कि उसका प्रायश्चित बहुत, किसी की हत्या कर दी, हत्या करने में कितना समय लगता है, एक आधा मिनट, लेकिन उसका फल भोगना है आजीवन कारावास या फांसी, तो कितनी लंबी सजा है। तो कर्म करते समय तो हम छोटा सा समय देखते हैं, आधे घंटे का, एक मिनट का काम है कर डालो,
लेकिन उसका फल हमें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है, इसलिए प्रायश्चित का फल बड़ा लंबा होता है। तो ऐसा प्रायश्चित न करे कन्या ने, और भगवान का अपमान करने में उनका पतिदेव मिल गए, आंधी तूफान छट गई, और सकुशल घर में जाकर के हर महीना संक्रांति या पूर्णमासी, कुछ लोग ने व्रत लिया होता है कि हमको हर पूर्णमासी में कथा करनी है, अब पूर्णमासी में ग्रहण पड़ गया तो क्या करूं, तो आप संक्रांति में करिए, इसलिए आपको खंडित नहीं, क्योंकि संक्रांति में पूर्णमासी का महीना पूर्ण, तो संक्रांति से भी महीना पूर्ण माना जाता है, संक्रांति से भी सौर महीना होता है, तो चंद्र महीना पूर्णमासी की अगर खंडित हो गया तो सौर महीना में आप कर सकते हैं संक्रांति में। तो इस तरह से करके उनका भी कल्याण होती है। स्कंद पुनर्जय वाहन में कथाया चतुर्थ अध्याय बोलो नान्य हनुमान की जय। गोविंद गोविंद गाइए रे मेरे राधा के श्याम प्रभु गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे मेरे राधा के श्याम प्रभु गाइए, मीरा के नाथ हरि गाइए रे, मीरा के नाथ हरि गाइए रे, संतों के साथ हरि गाइए रे, संतों के साथ हरि गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे मेरे राधा के श्याम प्रभु गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे मेरे राधा के श्याम प्रभु गाइए रे, मेरे मीरा के नाथ हरि गाइए रे, मेरे सीता के राम हरि गाइए रे। भगवान की जय। पांचवें अध्याय में कथा आते सूत जी कदे अन्यत संप्रवक्ष्यामि श्रुण समनिषतम आसीत तंग ध्वजाय प्रजापालन तत्पर। अब यहां पांचवें अध्याय की कथा चल रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार के कुछ क्षेत्र में इस पांच अध्याय को सात अध्याय बनाए हैं कथा में, सात अध्याय की, लेकिन वैसे पांच पांच को ही विभाग कर दिया, सात कर दिया, वैसे पांच है मूलतः, तो पांच अध्याय की कथा है। अब यहां अलग अलग अध्याय की अलग अलग विशेषता है। पहले अध्याय में जीवन में पहले नंबर में अगर रखना है तो किसको रखना चाहिए, संतों सत्संग को रखना चाहिए, भगवान को नारायण को रखना चाहिए। पहले अध्याय में भगवान का है और संतों का है सत्संग, संत भी कौन से, जो भगवान से जुड़े हुए परम भक्त है, तो संत भी जो भगवान से जुड़े हुए संत है, बीतरागी संत, वो भी भगवत स्वरूप ही होते हैं, जैसे देवसी नारद व्यास इत्यादि। तो पहले अध्याय में अर्थात पहले भगवान का स्थान होना चाहिए, दूसरे में ब्राह्मण, दूसरा अध्याय ब्राह्मण, तीसरे अध्याय में उल्कामुख नाम के राजा क्षत्रिय, चौथे अध्याय में वैश्य, और पांचवें अध्याय में तुंगध्वज नाम के राजा शूद्र वर्ग के थे। इसका मतलब सत्यनारायण कथा सुनने का अधिकार सबको है, सत्यनारायण कथा करने का अधिकार सबको है। तुंगध्वज राजा निम्न वर्ग के लोग कभी हिंसक हुआ करते थे, इसीलिए हिंसा भी करते थे। आसीत तुंगध्वज राजा प्रजा पालन तत्पर, प्रसादम सद्देव से त्यक्ता दुःखम अवापस, उन्होंने भी भगवान सत्यनारायण का प्रसाद का परित्याग कर दिया था, उनको बड़ा कष्ट हुआ। एक दास बनम गत्ता बहु विधान बसुर, एक दिन शिकार खेलने जंगल गए, शिकार का मतलब हिंसा करना है, जो हिंसा का रास्ता अपनाता है वो अकेले पड़ जाता है समाज से, तो हिंसा करने के लिए निकले थे, बहुत पशुओं को उन्होंने मारा बध किया, तो अकेले पड़ गए। मंत्रीगण भी छुड़ गए, सेवक गण कोई नहीं। आगत्य बट मूलम चिष्टा सत्य से पूजनम, एक बट वृक्ष के नीचे भगवान सत्यनारायण की कथा पूजा चल रही थी, और गोपाकुर बंदे संतुष्टा भक्ति युक्ता सभा दवा, गोपगण भगवान के जो गोपगण है गोपालक, वो भगवान की बड़ी भक्ति से प्रेम से पूजा कर रहे थे। राजा दृष्टांत दर्पण नगतो ननामस दर्पण, मैं राजा हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, छोटे मोटे लोगों की पूजा में मैं क्यों दर्शन करूं, दर्पण है अर्थात उसको घमंड था, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं बड़ी पूजा में मैं शामिल होने लायक हूं, छोटी मोटी पूजा में मैं क्यों जाऊं, छोटी मोटी पूजा तो मैं देखता भी नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बड़े आदमी है, पूजा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो सबके लिए है। तो गर्व से नहीं गया, ततो गोपकणा सर्वे प्रसादम निपसंदितो,
तो फिर भी गोपगणों ने इंतजार किया, शायद राजा यहाँ आए तो प्रसाद दे दूं, राजा नहीं गया तो खुद ही प्रसाद देने पहुंच गए। और उस मंदिर में जाकर के न राजा ने प्रणाम किया और न प्रसाद ही मांगा, तो इसमें भगवान हो गए नाराज। तो कुछ लोग बड़े लोग, एक दिन इलाहाबाद में पढ़ रहा था, कलकत्ता के बहुत बड़े सेठ आए, उन्होंने कहा कि हमको ना चित्रकूट घूमना है। तो महंत जी ने हमें दे दिया साथ में कि इनको ले जाओ, ये ब्रह्मचारी बालक है, ये आपको चित्रकूट घुमा के लाएगा। चित्रकूट ले गए तो वहां अनुसुईया का मंदिर दो है चित्रकूट में, एक प्राचीन मंदिर एक नया मंदिर है ना। तो उनको प्राचीन मंदिर देखा, ये प्राचीन मंदिर है, तो वहां उनका दर्शन करने का मन भी नहीं किया, एक पैसा भी नहीं चलाया। तो जो दूसरा नया मंदिर था, चमक दमक वाला बढ़िया मंदिर था, ये मंदिर सही, वहां बढ़िया से गड्डी उड्डी पैसा निकाल करके बढ़िया विधिवत चलाया। तो जो हमको लगा कि भाई जो नया मंदिर है जो साफ सुथरा है वहीं भगवान रहते होंगे, अब पुराने मंदिर में भगवान कहाँ रहते हैं, लोगों की कुछ ऐसी भावना है। तो शायद राजा का भी कुछ ऐसे ही भाव रहा होगा, छोटे मोटे लोगों का मंदिर है, हम यहाँ क्यों जाए, मैं तो राजा हूँ, हमें साफ सुथरा बढ़िया स्थान चाहिए। तो इसके कारण ही न गया न प्रसाद लिया, गोपगणों ने प्रसाद दिया नहीं दिया, संस्थाप प्रणागता भुक्ता सर्वे सन्य तथा प्रसाद संत्य राजा दुखम वापस, प्रसाद का परित्याग से राजा को दुख मिला। दुख क्या मिला, तस्य पुत्र सतम नष्टम धनहान्यादिकम चयद, उनके सैकड़ों पुत्र थे और धन धान्य सब नष्ट हो गए एक प्रसाद का परित्याग करने से, इसलिए प्रसाद का अपमान भी नहीं करना चाहिए। आज पंडित जी ने दिया ना जगन्नाथ जी का प्रसाद, जो है लोग जगन्नाथ को प्रसाद है, जगन्नाथ एक प्रतिनिधि के रूप में आप प्रणाम करते हैं प्रसाद को, तो प्रसाद भी कोई बद्रीनाथ का प्रसाद दें तो आप क्या करेंगे, पहले माथा लगाएंगे, माथे से लगाएंगे, क्यों माथा से क्या प्रसाद भात को थोड़ी लगा रहे हैं, आप बद्रीनाथ का स्मरण कर प्रतिनिधित्व मानते हैं, बद्रीनाथ का प्रतिनिधि है। तो प्रसाद का परित्याग करने से भी भगवान नाराज हो गए, धन धान्य नष्ट हो गया, संतान सब नष्ट हो गए। सत्यदेव सर्व नाशितम मम निश्चितम, उसको बाद में लगा मैंने गलती तो की है, जब धन गायब हो गया तभी किसी किसी की बुद्धि खुल जाती है, क्यों धन क्यों गायब हुआ, तब जब छानबीन करने लगा तब उसको पथ का ये निश्चित हो गया कि सत्य देवी न तत्सर्वम नाशितम मम निश्चितम, अब मेरा निश्चय है कि सत्यनारायण के द्वारा ये सब नष्ट हुआ है, मैंने गलती की है। अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम्, अब मुझे यही करना चाहिए, जहां भगवान की पूजा हो रही थी वहीं मुझे जाना चाहिए। मनसा तो विनिश्चित है ये गोपाल सन्नी, तो वैसे मन में विचार करके उन्हीं गोपाल गोपगणों के पास गया। ततोसो सत्यदेव से पूजन गोपगणे से, वहां जाकर के गोपगणों के साथ पूजन किया, भक्ति श्रद्धान्वित भूत्वा चकार विधना निपह, भक्ति से अब जब ठोकर लगता है तो किसी किसी की जो है भक्ति जग जाती है, और जो ठोकर लगने पर किसी की भक्ति जो है जगती है, और किसी किसी की तो ठोकर से भी नहीं जग पाती है। तो उनको ठोकर लगी तो भक्ति श्रद्धा जग गई, तो ऐसा भगवान आपको ठोकर न दे कि ठोकर लगने के बाद ही भक्ति जगे श्रद्धा जगे, पहले से थोड़ी भक्ति श्रद्धा जगा लीजिएगा न ठोकर न लगे। और सत्यदेव प्रसाद धन पुत्र निको भव, फिर पुनः सत्यनारायण के प्रसाद से धन धान्य पुत्र पौत्र से संबंधित हुए, यह लोग चांदी से इस संसार में सुख के अंत में सत्य पुत्र धाम को प्राप्त करते थे कर्म करते हैं, और साथ में यही कुरुते सत्य प्रथम पाप दुर्लभम, इस प्रकार से जो सत्यनारायण कथा सुनता है, जो परम दुर्लभ भगवान की कथा सुनता है, उनको अवश्य पुण्य की प्राप्ति होती है, उनको फल मिलता है। धन धान्य निकम तस्य भवे सत्य प्रसाद, धन धान्य से परिपूर्ण होते दरिद्र लभते वित्तम, जो गरीब होता है उनको धन मिलता है। बद्ध मुचित बंधना, जो बंधन में पड़ा हुआ है, जो जेल में पड़ा है वो मुक्त हो जाता है। भीतो भय प्रमोचित, जो भय भी करता है वो निर्भय हो जाता है। सत्यदेवी सत्यदेव न संशय ऐसी फलम मुक्ता, जो मनोवांछित फल की प्राप्ति भी सत्यनारायण कथा से हो जाती है। चांति सत्यपुरम बजे, अंतिम भगवत सत्यपुर धाम को प्राप्त करता है। इतिवो कर्तक विप्रा सत्यनारायण सत्यनारायण व्रतम, और इस प्रकार से जो सत्यनारायण व्रत करता है, यत्कृत सर्व दुखे को मुक्तो भवति मानव, अर्थात सभी दुखों से, एक दुख नहीं सभी दुख, भगवान की कथा सुनने से सत्यनारायण की कृपा से सभी दुखों से मुक्ति पाता है। विशेषतः कलियुगे सत्य पूजा फलप्रद, विशेष करके कलियुग में सत्य पूजा ज्यादा फलप्रद है, इसलिए सत्यनारायण कथा कम से इंसान में एक आध बार तो जरूर ही करना चाहिए, नहीं तो साल में एक आध बार ऐसी तीर्थ यात्रा चलती रहती है, यहाँ तो चलो
भाग्य से हो गया, बहुत बढ़िया। और क्योंकि सत्यनारायण की भूमि ही है, केचित कालम वदिष्यन्ति सत्य भी संतमे वस, कुछ लोग सत्य गीत कहेंगे और सत्यनारायण केचित सत्य तथा परे नाना रूप धरोपुत्र सर्व सर्वेशा वीक्षित प्रदम भविष्य को लो सत्य व्रत रूपी सनातन श्री विष्णु कृतम रूपम सर्वेशा वीक्षित प्रदम। अब कलयुग में भी भगवान सत्यनारायण की पूजा से अवश्य फल मिलता है। इस प्रकार से यही हृदय नित्यम श्रृणोति पापाने सत्य प्रसाद, सत्यदेव के प्रसाद से हमें सभी मनोकामना सिद्ध होती है। पहले ब्राह्मण ने जो किया था, दूसरे जन्म में सुदामा बने और लकड़ीहारा दूसरे जन्म में निषाद बना, और उल्का मुख नाम के राजा दशरथ भय और श्री रंगनाथ की पूजा से उनका भी कल्याण हुआ है। धार्मिक सत्यसंध भी साधु मोरा सत्यसंध बने, जो साधु नाम विवश्य थे, मोरध्वज तुंगध्वज राजा भी मोरध्वज बने। भगवान सत्यनारायण के पास सबका कल्याण होता है और सर्वान भागवतान सभी भगवान वैकुंठ धाम प्राप्त करते हैं। भूतवा योगोपास्ते सभी ब्रजमंडल वासी, जो गोपगण थे ब्रजमंडल के वासी बन गए। नियत राक्षण सर्वान गोलोकम उदयादेव, और अंत में उनको भी गोलोक की धाम प्राप्ति हुई। अर्थात सत्यनारायण भगवान कथा के सुनने से सभी का कल्याण हुआ है, इसलिए आप सभी का भी कल्याण हो। हम नैमिष नारायण भगवान से यही निवेदन करेंगे और यहाँ के भगवती काली पीठ में हम लोग उपस्थित हैं। हम भगवती काली से भी और भगवान यहाँ के रहने वाले सारे देवी देवता साधु संत या सिद्धों से भी हम यही अपेक्षा रखेंगे। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सभी का कष्ट दूर हो। और इसी के साथ ये सत्यनारायण कथा